हेलो दोस्तों, आर वी लाइव? लेट मी चेक इफ वी आर लाइव. एक सेकेंड. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे को एक सेकेंड दो, मेरे को चेक करने दो. क्या हम लाइव हैं? क्या हम लाइव आ चुके हैं? अरे हाँ, हम तो लाइव आ चुके हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. लेट ओपी शुरू हो गया है भाई. तुम लोग तो हराम ही हो लोग. तुम लोग को कुछ दीन ईमान ही नहीं है. तुम लोग को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि वहां पे जगह ऑलरेडी विश्वा कल्याण रत्न ने ले ली है. दोस्तों आज हमारे साथ है सागर शाह. सागर शाह और कई लोग हमसे जुड़ेंगे आज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. वी आर डूइंग दिस. आई एम वेरी हैप्पी वी आर डूइंग दिस. सागर शाह, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आज हम क्या करने वाले हैं? एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आज एकदम ही अलग स्ट्रीम है। वी आर गोइंग टू हैव ब्लाइंड चेस प्लेयर्स, टॉप टू ब्लाइंड चेस प्लेयर्स ऑफ इंडिया, किशन दर्पण इनानी एंड किशन गांगुली, हु विल टेक ऑन द टीम ऑफ कॉमेडियंस समय, बिस्वा एंड वैभव. एंड द फन थिंग इज दैट वाइल ऑल थ्री ऑफ यू विल प्ले नॉर्मली, लाइक यू विल डिस्कस एंड प्ले, The Kishan and Darpan will of course be playing in their mind blindfolded, but they'll play hand and हैंड brain. एंड ब्रेन खेलेंगे वो दोनों. दिस इज एक और चैलेंज होगा उनके लिए. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. दे हैव नेवर ट्राइड इट बिफोर टू प्ले हैंड एंड ब्रेन. इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग. एंड बिफोर वी बिगिन, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज जो भी आप सुपर चैट देंगे, ट्राई टू डोनेट हियर टू चेस बेस इंडिया एट द रेट ओके एच डी एफ सी बैंक. ये यूपीआई आईडी है, आप गूगल पे कर सकते हैं. All of the money that you'll give through Super Chat, through Chess, through the UPI ID, and if you are living abroad and if you're seeing this later, maybe you're seeing it in the morning when you wake up, you can donate at PayPal also, जो मैंने description में डाला है. तो all of this money will go towards helping the blind chess players of our country. And सागर शाह, आप एक बार बताएं कि what is the status and how much help the government is doing. See, the basic thing is that I would like to tell the entire story, but first just about this donation part. Ki ye jo whatever you will donate here will be used to promote blind chess in India. One thing which I want to say is that chess is really a very unique sport where blind players can compete on an equal footing with sighted players. जैसे आज हम देखेंगे, today we'll see that both Kishan and Darpan are visually impaired, but they will fight on equal terms against Samai, Biswa and Vaibhav, who are sighted player. Not even equal. Actually, they're going to be playing hand and brain, and we are going to be playing. हम लोग तीन लोग मिला के विल गिव आर बेस्ट गेम. एंड गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल इंट्रोड्यूस बोथ द प्लेयर्स. दर्पण, आई विल शो यू स्मॉल वीडियो इन अ मिनट, एंड आई विल शो यू कपल ऑफ वीडियोज. मैंने उनके बारे में रिसर्च किया है, वी फाउंड आउट अबाउट दैम. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उन दोनों की. एंड विल शो इट टू यू ऑल्सो. एंड सागर शाह के बारे में आपको ये नहीं पता होगा, बट सागर शाह इज सच अ स्वीट गाय. ही हैज कोच देम फॉर नो कॉस्ट एट ऑल, फॉर फ्री ही हैज कोच देम. सागर शाह, ये आपने मुझे बताया नहीं था, पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी. और वेरी स्वीट ऑफ यू है सागर शाह, यू आर अ लेजेंड. 1 year ago in 2 years ago in 2018, when we first time went to a tournament, at that point we met them, and since then we have all been very good friends of the top blind chess players of India. It has been wonderful. And एक सेकेंड, वी जस्ट वेट फॉर मोर पीपल टू कम. एक बंदा कह रहा है कॉमेडियंस विल प्ले ओनली हैंड नो ब्रेन. नाइस वन. By the way, a lot of people are already contributing. I see the list of people who are contributing Please via. try to contribute during via Chess Base India. We are just waiting for more people. Once we have around 2500 people, if you like the stream, then it will show in more people's feeds, I guess. So please like it so that once we have 2500 people, we can start. I'll just give you a quick introduction about them. Bahut very inspiring stories. Okay, we have 2000 people. I think we are good to start. Should I just show them about? I'll just show you Yes. a video, guys. Please watch this. This is the story of Kishan. Thank you.
like I should do something in blind chess, so that everyone recognizes us. So then I started working hard. My mom is a beautician, and I don't have a father. I have won nationals 4 times, but I should say that when I won for the first time, the prize money which I got was 10,000 rupees. After coming to blind chess, I felt like, oh, why all players are not recognized? So I thought if I win all the tournaments, like I could get recognition, and all other players also, it will be like for them also it will be easy. So I started working hard for chess, but after winning Asians, I have approached government, but the reply was like shocking for me. So what they said was, blind chess is not considered by our government. So all other sports are considered, so they are not going to release any fund. I don't know why government is doing like this. I think, I don't know why this is happening to blind chess only. How much time I should wait for sponsorship, for support? So I should look after my mother. At least if I cannot pass IAS, at least I can even clear state public service, like Karnataka public service. At least I have a guarantee, like I have a hope. But if I continue in chess, I don't have any hope, because even if I win a national championship for 10 times, I don't think I'll get any sponsorship. I have lost almost hope. So no one is going to come and like sponsor me or give a job. Hello, hello. 1 second. Sagar, is it lagging? Is the yes, thing? Yes, there is a lag. It seems. There's a lag. It's all right. Let me check it. Guys, let me know if the lag is fixed. And if it's still lagging, then it's okay. We can fix it. We can change the stream key, and we can use other stream key. But let me know if it's fixed right now. I think it's okay. It's fixed, right? Guys, abhi theek hai. So yeah, if everything is fixed, then let me know. I changed the bitrate. Theek ho gaya. Sab bol rahe theek ho gaya. Haan, sab sahi. Toh, dosto, this was Kishan. And Sagar, kya aap kuch bata sakte Kishan ke baare mein? What do you know? You've spent a lot of time with Kishan. Yeah, Kishan is
इंडियाज फाइनेस्ट प्लेयर. ही इज 6 times कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन ऑफ इंडियन ब्लाइंड चेस. फ्रॉम 2012 ही स्टार्टेड विनिंग टिल 2018 आई थिंक और 19. ही इज एशियन चैंपियन. He has won gold medal at the individual gold medal at the Olympiad. So he is like one of the strongest, like him and Darpan, they both are the strongest players in Indian blind chess. And he's so unassuming. He doesn't talk much. He's very quiet, very shant. But when he comes to the chessboard, he is really amazing. I'm so inspired by him. एकदम ही शांत आदमी है. वेरी वेरी नाइस पर्सन. एंड थैंक यू सो मच यार सागर सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अमेजिंग प्लेयर्स टू अस. एंड सागर इज अमेजिंग गाइस. आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू अ स्मॉल 1-2 minute वीडियो ऑफ दर्पण. लेट मी नो इफ इट्स लैगिंग देन आई विल नॉट प्ले यू नो एनी हायर रिज वीडियोज. बट डोंट वरी द स्ट्रीम विल बी फाइन. जस्ट ट्राई टू प्ले अ वीडियो जस्ट इंट्रोड्यूसिंग बोथ द प्लेयर्स टू यू बिफोर वी बिगिन टुडेज मैचेस. This is yeah. And Darpan is a very funny guy. I just looked at this video. Just look at this, guys. Just look at the first 2 minutes of this. I was subjected to rigorous medical treatment and myriad surgeries until the age of 8. I was operated around 50 times by that time. But nothing worked to success. So I was just homeschooled until then and only started my formal schooling directly from 3rd standard at the age of 8. My parents always brought me up like a normal child. Integrating me with the mainstream was their brainchild. And I never learned Braille in my life. Even today, I don't know Braille. The technology helped me to overcome the barriers which were there. And computers and screen reading softwares became my lifelong companions, which enable me to read and write. So now my parents of course wanted me to be enrolled in a normal school, but okay, easier said than done. I mean, this idea was a Herculean task to execute. So we approached several schools, but most of them were apprehensive as to how a visually impaired, and that too a 100% visually impaired child, would cope up with the sighted children studying there. But as they say, a smooth sea never made a skillful mariner. And, well, fortunately enough, yeah, let me again say that, fortunately enough, the ocean of my life had its own share of tide and storms that enabled me to come out stronger than before after every grind that life had to throw at me. It put additional pressure and it might lag, so that's why I have not play the entire video, but please watch the videos. Please write good things about them. I saw the video, it has only 800 views or something. That's very unfortunate that you know, it's not getting a lot of viewership from people, because pata nahi pehle chess mein there's very limited people who watch it, usme bhi in blind chess. It's very sad, but that's all right. All sad things aside, today we have two amazing players. Guys, एक सेकेंड let me just check if everything is all right. सब चंगा सी बताओ दोस्तों, सब चंगा सी, साउंड सब सही है? आप ये बताएं सागर शाह जी, आप कब मिले दर्पण जी और किशन जी को? दर्पण को मैं शायद almost 10 साल पहले मिला था. And दर्पण has zero vision, yeah, like zero eyesight. So he cannot see anything. But as he says, you know, he has a line which is like you don't need sight, you need vision, and he has the vision. So Darpan is so brilliant that he was the first Indian to win a world junior medal for blind in India. He won the bronze medal in 2013, and his rating right now is 2135, which makes him like one of the best in the world in blind, but also top in India. And he is doing his chartered accountancy, which is unbelievable. And he has reached CA finals and he's cracked one group. CA finals. Oh man. CA final mein bhi ek group clear ho gaya. Dusre group mein ek paper mein exemption ho gaya. So he has only 3 papers left to become a CA. And imagine, he cannot see a thing. So he needs a writer in the examination. He tells what to write. And you know, uska jo jidd hai, the amount of
determination he has is phenomenal. I mean, I have not seen a more determined person than him. And I'm so glad that we have them. आज हम दोनों हमारे साथ हैं वो दोनों. And आप मतलब मैंने basically हमने plan किया था कि हम दोनों उनके against एक normal match खेलेंगे, three of us versus them. But then Sagar came up with this beautiful idea that we should challenge them. We should even challenge them and we should not क्या क्या कहा था आपने सागर शाह कि the last thing they want is sympathy because yeah. So I'll just say that when I met them for the first time, my feeling was, yaar, unko dikhai nahi deta hai. I feel so sad about them. I have eyesight. They don't have it. It's not fair and all of this. But when I met them, they were like full of energy. They were full of positivity. They were working hard. They wanted to achieve something. They wanted to become better at chess. They wanted people to know more about them. And that's when I realized ki they don't need our sympathy. All they need is an opportunity. They need themselves to be heard. They need themselves to be seen. And I think through this stream, Samai, you are doing just that. Hey, thank you. A lot of people will get to know about them. More chess lovers will get to know about them. And they're really cool people. Madhav, I spoke to them before the stream. You'll all love it. Just let me know if everything is fine so we can start. And Sagar Shah ji. मैं उनको इनवाइट भेज देता हूँ. एक सेकंड, फटाफट हम उनको लेते हैं अपने बीच में. दोस्तों सब चंगा सी बता दें आप. एंड प्लीज़ रिमेंबर टू डोनेट ओवर हियर इफ़ यू आर यूजिंग यूपीआई एंड इफ़ यू आर यूजिंग पेपाल देन पेपैल. ओके पेपैल भाई खुश लोग मेरे को इतना बोलते पेपाल नहीं है पेपैल है भाई. ओ पेपाल बोलूँगा मैं. पेपैल कुछ भी बोलेंगे तुम लोग समझ जाओगे क्योंकि प्रॉपर नाउन कैन बी प्रोनाउंस इन एनी वे. यू कैन कॉल मी सेमे, यू कैन कॉल मी समाई, यू कैन कॉल मी समय. इट्स ऑल फाइन. सब चंगा सी हम लोग ले लेते हैं. I should tell one thing, Samay, since the stream has started, it has been around 17 minutes. Over 100 or maybe more people have contributed, and you know my it is coming and coming. I think what you have built here with this community is so unique, so amazing. Just a sweet community, guys, and I'm so glad. पता है मेरे को the best part is कि super chat इतने कम आ रहे हैं. That's the best part. दोस्तों पता है क्या होता है? आप तुम लोग super chat देते हो तो वो YouTube उसमें से 30% काट लेता है और ऊपर से YouTube हमें पैसा भी बहुत दिनों बाद देता है. तो if you directly donate to the foundation, it'll be insane. तो let's have them without any further ado. Let's have Darpan and Kishan amongst us, दोस्तों. I'm very happy. Hello, Darpan bhai, कैसे हो आप? अरे एकदम मजे में. आप सुनाइए. अरे खुश खुश किशन जी, हम लोग लाइव हैं दोनों. तो मैं पहले ही बता दूं, कोई हम सब अच्छी बातें करते हैं अभी. Let's एक सेकंड, किशन जी आ रहे हैं. हाय दर्पण. हाय हाय सागर भैया. हाय, गुड टू हैव यू. या थैंक्स. तो दर्पण और किशन जी, आपकी हमने आप दोनों की वीडियो दिखाई, पर मेरा इंटरनेट थोड़ा सस्ता है तो वो आपकी वीडियो थोड़ी लैग हो गई, तो मेरे को माफी दे देना उसके लिए. पर एक सेकंड मैं आप दोनों का चेहरा बड़ा करता हूँ ताकि मेरा भी चेहरा दिखे आपके साथ. दोस्तों क्या सुंदर सुंदर चेहरे सबके, आज मजा ही आ जाएगा आज. एक सेकंड किशन, कैन यू हियर अस? या आई कैन. ओके फैंटास्टिक. हेलो एवरीवन. हेलो 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 एवरीवन. या हेलो एवरीवन. तो दोस्तों आज आप दोनों में से हैंड कौन है, ब्रेन कौन है, आप ये बता दें. आई विल बी द हैंड. आई थिंक दर्पण विल बी द ब्रेन. या एंड वी विल शिफ्ट. आई मीन मैंने फन पार्ट इज मैंने इनको बोला था दोनों को कि आप बता लें, आप डिसाइड कर लें हैंड कौन होगा ब्रेन कौन होगा. पहले ही दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्ले हैंड एंड ब्रेन. ऊपर से दे वर लाइक यू नो वी विल कीप स्विचिंग आफ्टर एवरी फाइव मूव्स. नहीं तो थोड़ा वो बोल रहा है कि हैंड एंड ब्रेन खेलने से आपको मतलब और हम वी वांट मोर चैलेंज, यू नो एवरी फाइव मूव्स वी वांट टू चेंज. ओह मैन दैट्स इनसेन. किशन जी हमारी स्ट्रीम आपने बोला था आप थोड़ी थोड़ी फॉलो करते हैं. किशन जी बताएं उसके बारे में. या आई वॉच मोस्ट ऑफ योर स्ट्रीम्स, सम ऑफ देम ऑन म्यूट. आई एम फोर्स्ड टू वॉच ऑन म्यूट. ओह मैन, एक सेकंड, सब आवाज आ रही है. दोस्तों सब चंगा सी बता दें, सब सही है तो आप बताएं. सो स्वीट ऑफ यू गाइस टू कम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप दोनों ने चार चांद लगा दिए हमारे स्ट्रीम पे, आप आ गए तो. और आप कहाँ रहते हैं, आप हमारी जनता को अगर हम बता दें तो जनता आपके बारे में और अच्छी चीजें जान ले. आप कहाँ रहते हैं दर्पण जी, और आप कहाँ रहते हैं किशन जी? मैं बड़ौदा रहता हूँ, गुजरात, विच फॉल्स इन गुजरात. सो ऐसे मतलब एक्चुअली आई वाज बोर्न इन उदयपुर राजस्थान,
व्हेन आई वाज 6 मंथ्स ओल्ड हम लोग गुजरात शिफ्ट हो गए, तो सिंस देन वी बीन लिविंग हियर. और किशन जी आप कहाँ रहते हैं? आई एम इन शिमोगा व्हिच इज इन कर्नाटका. ओके, और आप ये बता दें कि आप, पहले मैं दर्पण जी से पूछता हूँ, दर्पण जी आपको चेस में इंटरेस्ट कैसे आया और आपने वो कल्टीवेट कैसे किया, क्या आप हमें बता सकते हैं? चेस में एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट आया एट द एज ऑफ 13 इयर्स, और वो भी अगर आप ऐसे देखेंगे तो मजबूरी थी. इंटरेस्ट आया इन द सेंस क्या था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, मैं अकेला ब्लाइंड स्टूडेंट था वहाँ. और जैसे आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन या पीटी पीरियड या पीई पीरियड जिसे कहते हैं वो होता है, तो बाकी के सारे बच्चे ना कुछ आउटडोर गेम खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मेरे केस में पॉसिबल नहीं था बिकॉज आई एम 100% ब्लाइंड, तो वो चीज हो नहीं सकती. सो देन इट स्ट्रक टू अस कि एकेडमिकली तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अब यार गेम का क्या करें, मतलब क्या ऐसा चीज खेले. मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे हुआ कि मेरा बच्चा ऐसा क्या खेले जो मतलब ये नॉर्मल लोगों के साथ खेल पाए, पढ़ तो रहा है उनके साथ. सो देन ऐसे हमको समझ आया, मतलब हमने उस पर फिर सर्च शुरू किया, तो हमें समझ आया कि चेस ऐसा गेम है जो एक अपॉर्चुनिटी देता है ब्लाइंड पर्सन को कि वो साइटेड पर्सन के साथ इक्वल फुटिंग पर कम्पीट कर पाए, और सिर्फ कम्पीट कर पाए, इनफैक्ट उनको बीट कर पाए, एंड टेक टू विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, विदाउट एनी डिस्पेंसेशन. तो ये एक बड़ी पेक्यूलर चीज है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में चेस के अलावा ऐसा कुछ और स्पोर्ट है जो शायद ये अपॉर्चुनिटी दे. दर्पण भाई आपके बारे में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कि आप, यू आर द फर्स्ट इंडियन टू विन अ साइटेड टूर्नामेंट अब्रॉड, मतलब दैट इज इनक्रेडिबल. सागर आप फ्रीज हो गए क्या? नहीं, मतलब दैट इज इनसेन, दैट इज इनसेन, मतलब आई कांट बिलीव दैट, लाइक दैट्स क्रेजी. जनता चैट इफ यू डोंट नो दिस, दर्पण ही इज द फर्स्ट ब्लाइंड चेस प्लेयर ऑफ इंडिया हु वेंट अब्रॉड एंड वन अ साइटेड टूर्नामेंट. एंड मतलब सागर शाह कैन यू थ्रो सम लाइट अबाउट दैट? Yeah, I mean, in general, first of all, going outside India, playing away from your home, also facing conditions which you don't know, facing new sort of opponents, playing sighted players, and then performing at, you know, so amazingly well. I think Darpan was first in the rating category of what, 2200? No, it was my rating was I think 1950 back then, so it was in the category of 1800 to 1999. Yeah. Ah, okay. So 1800 to 2000, and he finished at the top of that list. And yeah. This is the first time an Indian has done this in a cited event, which is simply phenomenal. I mean, it just shows that there is no limit to. That is insane. If you, matlab. I can't even imagine. जो जो लोगों से मिल रहे हैं ना ये चेस की वजह से, जैसे जैसे लोगों से मिल रहे हैं, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे मम्मी पापा अंदर से देख रहे हैं, एंड दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ मी. मम्मी पापा लुक एट दीज अमेजिंग पीपल दैट आई एम अराउंड विद. किशन जी आपके, किशन जी के पीछे मोदी जी है भाई, देख. किशन जी के पीछे मोदी जी. किशन जी आप मोदी जी से मिले थे? Yeah, when I won gold medal at Asian Para Games, the medalists were invited by our Prime Minister. It was a very special feeling. So before few months, I was about to quit chess, but God heard me, and within few months, I was in front of a Prime Minister. Oh man, that's amazing. And, सागर शाह मैन, सो स्वीट ऑफ यू टू, यू नो इन्होंने आपको कोच किया, इन्होंने आपको बहुत, इन्होंने मेरे को पता किया इनके बारे में. सागर शाह यू आर अ लेजेंड, यू नो. सागर शाह ओपिनियन चैट, दर्पण ओपिनियन चैट, किशन ओपिनियन चैट, ये बताएं दोस्तों कि आप दोनों, मैंने माना कि आप दोनों हैं 2100 और आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, पर आज हम तीन जो हैं, हमारी भी रेटिंग बहुत खतरनाक है. हमारी रेटिंग है 1200, 1000 और 900. ठीक है, तो शायद ऑफिशियली होती भी नहीं है. तो नहीं, chess.com पे हमारी है 900 है भाई. अच्छा, इस वक्त की है 900. तो हमारी कंबाइंड रेटिंग आपसे दोनों से ज्यादा है. ठीक है. तो इस बात का उनका भी ऐड करो ना आप, 2135 प्लस 2128 हो जाए. मेरी मैथ भी वीक है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार जिंदगी में. बाय द वे, जस्ट चैट में लोग कह रहे हैं कि कॉल विदित करके, I want to just inform everyone that
Vidit is the brand ambassador for blind chess players in India, and he has been supporting blind chess since over 2 years, and he will be coming in some time to the stream. Which yeah, is, he'll be also joining us today. So, anything else you'd like to add, Sagarsha? Anything that I missed? No, I think that overall, ye log jo yahan pe aaye hai, it provides a very unique opportunity. I think Darpan and Kishan both will agree to me that they would want the toughest of fights from you, and they would want you to try to beat them. And then it would be a great fun today. For I'm looking forward to today's match. अरे हम तो हरा देंगे भाई, देख लो भाई, दर्पण भाई और किशन भाई. मेरे को इंग्लिश ओपनिंग आती. क्या कह रहे हो आप? हम भी यही चाहते हैं कि हम आपके लिए लकी साबित हो ना, मतलब आप पहला एक एकदम से विक्ट्री अचीव करें. पहली विक्ट्री. I should mention something. You know, whenever I meet celebrities. For example, in 2012, I met Sachin Tendulkar. Oh, man. Within few months, he retired from cricket. And I met Anand. Within few months, he lost the world championship. So I hope nothing happens. Kishanji, I am not a celebrity. You are. No, man, I just a few people know about me. Guys, you guys are real heroes, man. I can't believe how much effort it must have gone into, you know, mastering chess. And it's insane. But वो बोल रहे हैं कि आप नया बैकअप तैयार रखें स्टैंडअप कॉमेडी के अलावा, मतलब पता नहीं इतने जरूरत पड़ जाए. यार मेरे को ही क्यों रोस्ट करते हैं भाई सब लोग. मैं वैसा बोल रहा, मैंने डायरेक्टली बोला बस. नहीं बट बैकअप तो रेडी है, चेस है. भाई चेस में भी 1200 रेटिंग है. कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमें बहुत हल्का समझ रहे हैं. सागर शाह से हम लोग रोज सुबह उठ के 7 बजे ट्रेनिंग लेते हैं. तो मेरी रेटिंग पहले 1100 थी, अब 1200 हो चुकी है. तो आई एम गोइंग अहेड, डोंट वरी. एंड एक सेकेंड, सब सही. एक सेकेंड, हाँ सब सही दोस्तों, सब सही है जनता. एक बार सब सही बता दो. एंड लेट मी रिमाइंड यू गाइस, डोनेट ओवर हियर चेस बेस्ड इंडिया एट द रेट OKHDFC बैंक ऑन गूगल पे आपको ये मिल जाएगा. तो दर्पण जी एंड किशन जी एंड सागर जी, आर यू गाइस रेडी टू बिगिन द मैचेस? यस, बट वेयर आर योर पार्टनर्स? ओह, माय पार्टनर्स आर ऑलवेज रेडी ब्रो. या एक सेकंड, ले जाते हैं अपने पार्टनर्स के पास. हां वही वो. अच्छा मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है ना? अगर थोड़ा सा भी इधर-उधर तो आप बता देना, क्योंकि मैं प्रीव्यू देख नहीं पाऊंगा. तो समय पे अगर ऐसा कुछ है तो आप बता देना. एकदम सुंदर लग रहे हैं भाई आप. इट्स इतने नहीं, सुंदर... मतलब मैं फेस टिल्ट हो जाए ऐसा कुछ हो तो. नहीं नहीं, मैं जरूर बता दूंगा. वैभव भाई, हाउ आर यू? ऑल गुड मैन. हाय गाइस. हाय. हाय सागर. प्लीज मीट वैभव सेठिया. ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ही इज आल्सो कॉमेडियन लाइक मी, बट ही इज अ बेटर कॉमेडियन एंड बदतमीजी करके खेलेंगे हम लोग तीनों. डिस्कस करके एक एक मूव खेलेंगे, मतलब वी विल डिस्कस एवरी मूव टुगेदर. थ्री ऑफ अस विल टुगेदर प्ले अगेंस्ट द टू ऑफ यू एंड यू गाइस विल बी प्लेइंग हैंड एंड ब्रेन. इट्स ऑलरेडी चैलेंजिंग इनफ, प्लस यू गाइस आर सेइंग कि यू विल रोटेट इन द मिडल. लेट्स सी हाउ इट गोज, बट वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट शॉट. एंड सागर शाह, व्हाट डू यू थिंक वी हैव अ फेयर चांस टुडे? Yeah, basically, if you were playing normal chess with them, I would say for sure you guys had no chance. But because this is hand and brain, you have to understand that both Darpan and Kishan will have no chessboard in front of them. They both will be thinking in their head. And so both have to have the same position in their mind. Like imagine Darpan saying pawn and Kishan has some pawn somewhere else in his mind. It can be tricky. So you have some chance, I would say, today because of this reason. But, you know, I have full faith in Darpan and Kishan. You know, they are very strong. Kishan ji is smiling and I think he's already thinking of how he'll defeat us today. Hey, are we playing hand and brain, Samay? No, of course. We don't have brain only, bro. We are only... Hey, somebody had commented, we are only going to play hand. Biswa is coming, yeah? Yeah, Biswa is coming. Because I might have to leave thoda der mein. Yeah, I'll just call Biswa.
Actually, Hand and Brain will be Kishan and Darpan. You guys will be discussing. हम लोग वही चेस की बेइज्जती करेंगे. हम तीनों डिस्कस करके भी हम हारने वाले. पर आज हम लोग बेस्ट. We will look at every possible move. We will give our best shot today. Okay, cool. All right. Let me call Biswa. And Darpan जी, आप ये बताएं, आपने CA मतलब आपको मतलब CA is one of the most difficult courses. आपको ऐसे मुश्किलें बहुत पसंद है मतलब? It's a very polite way to put difficult. CA, like I can't even imagine how to clear CA. My so many friends are still struggling after 5 years. अपना सागर शाह is a CA. All intelligent people become CA by. Everyone else becomes stand up comedian. अरे ऐसा नहीं है. But ठीक है, I had opted for commerce actually. मुझे ऐसा था कि मुझे मतलब I had gotten very good percentage in 10th. If I wanted, I could have opted for science as well. बट मुझे ऐसा कुछ करना तो जो शायद पहले किसी विजुअल इंपेयर्ड ने ना किया हो, सो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड चोज टू डू सीए. और उसके अलावा भी मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, इन शॉर्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक्स में. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस. भाई एक बार इसके बाद आप मेरे को पर्सनली बता देना, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मेरे को बता देना मैं निकालूं पैसा कि नहीं. ये मेरी तो इतनी हालत खराब है, मेरे को कभी कोई बोलता है ना, अबे तू ये कर ले, तेरे पैसे बचेंगे, तेरे को टैक्स बचेगा. मैं बोलूंगा मैं दे दूंगा यार, मैं दे दूंगा टैक्स, और मेरे को कोई फर्क, मैं और टैक्स दे दूंगा, ले लो. लेकिन ये सब समझ में नहीं आ रहा. मेरे को बहुत मुश्किल लगता है ये स्टॉक मार्केट समझ. एक दिन हम भी अमीर बन जाएंगे भाई. भाई आपने कुछ दर्पण भाई के साथ बैठेंगे, पूरा स्टॉक मार्केट सब समझ जाएंगे. शॉर्ट में समझना पड़ेगा कभी. किशन, यू आर कंफर्टेबल इफ वी स्पीक इन हिंदी नाउ एंड देन, राइट? लाइक यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी. आई नो दिस. या मुझे भी हिंदी आता है. अरे मेरे भाई, बढ़िया भाई, मजेदार भाई. आज पूरी जनता खुश है, सब हिंदी में बात करेंगे. मेरी जनता को, थोड़े थोड़े जनता को ऐसे हिंदी पसंद है, तो इसलिए. चैट में सब लोग बोल रहे किशन कुछ एक दो सेंटेंस कन्नड़ा में बोल दो. बहुत सारे कन्नड़ा फैंस है. हो जाए भाई. I'm sorry, किशन इज फ्रॉम बैंगलोर क्या? नो, शुभो नियर बैंगलोर. ओके, हो जाए सर. किशन जी कुछ हो जाए आपकी भाषा में. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೈ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೆಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. ಗೆಸ್. ಹಲೋ ದೋಸ್ತೋ, ಕೈಸೆ ಹೋ ಆಪ್ ಲೋಗ್? ಯಹಿ ಬೋಲಾ ನಾ. ಯಾ ಯಾ ಸೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇನ್. ಮೇರೆ ಕೋ ಭೀ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಪತಾ ಹೈ, ನಿಯಮ್ಮ ರೋಡ್ ಆ. ಮೇರೆ ಕೋ ಯಹಿ ಪತಾ ಹೈ ಖಾಲಿ. ಮತಲಬ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? ಅಪೇರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅ ಕಸ್. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್, ಯು ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ನೀ ಅನ್ನಾ ರೋಡ್ ಆ, ಆಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ತೇರೆ ಬಾಪ್ ಕಿ ಸಡಕ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ನೀ ಅನ್ನಾ ರೋಡ್ ಆ. No, but I should admit, you know, I have seen many people doing spelling mistake while writing. But first time I saw someone doing spelling mistake while talking. Okay. Oh, is it me, Appa Roda? I have to figure it out now. अरे यार, हम लोग तो भाई, मेरे को लग रहा है ये chess player को हम लोग सब दिखा दिखा के दुनिया को, we are showing how unfunny we are and how funny they are. Oh man. Wait, let me call Biswa. Where is Biswa? बिस्वा मॉर्निंग ट्रेनिंग के बाद थक जाते हैं शायद. जल्दी जल्दी उठते हैं एवरी डे. गाइस, जस्ट रिमाइंडिंग, इफ यू कैन डोनेट हियर दैट्स बेस्ट, अदरवाइज इफ यू आर अब्रॉड यू कैन डोनेट एट पेपैल. पेपैल बोल दिया भाई, बस खुश. पेपैल भाई, दर्पण भाई, पेपैल है कि पेपैल है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आई थॉट इट्स पेपैल, बाकी पता नहीं. इट्स पेपैल. एक दिन मैं भी उठूंगा, एक दिन. अरे तो बोला आपका होप रखने का ही नहीं, इसलिए मैं आपको. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. पता है मेरे को, लास्ट टाइम मेरे माय फादर इन लॉ टोल्ड मी आप सुबह नाश्ते पे आ जाना कल. मैं बोला सॉरी, मैं 10 बजे से का प्लान नहीं बनाता, 10 बजे तक का. भाई, आई टोल्ड इट टू माय फादर इन लॉ. दर्पण भाई और किशन भाई, यू वोंट बिलीव, मी एंड बिस्वा, वी आर वेकिंग अप एवरी डे एट 7 AM just to get some coaching from Sagar Shah to improve in chess. Like from the past 7 days we have been playing every day, we have understood some tactics and we are like totally ready, I think, right? That's really amazing. So you learned something new, yeah, during this lockdown. Matlab aapne productive kaam hi kiya hai. Ha, matlab isse pehle to also contributing to making chess very popular, yeah, along with Chess Based India. अरे बिल्कुल भाई, आई लव चेस, वी ऑल लव चेस. मतलब हम लोग सब वेव सिटिया, मैं बिस्वा, वी ऑल, वी हैव नथिंग टू डू, बिकॉज़ हम लोगों का लिटरली काम होता है कि ग्रुप को इकट्ठा करके जोक सुनाओ. तो अभी ये कोरोना वायरस की वजह से ग्रुप इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे, तो हम लोग जोक किसको सुनाए भाई. मुझे ऐसे लगता था ना कि यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन चेस, बट मतलब यू डोंट लव चेस एज सच, बट आई हैव स्लोली बिगन टू बिलीव दैट एक्चुअली यू गाइस आर नॉट जस्ट interested in chess, you love chess. Like today morning after training, Samai, I thought I went and I was getting ready, then I saw my Samai is again streaming chess.
फिर से चेस खेल रहा है मतलब शुरू में आप जैसे वो इंटरेस्ट और लव बोल रहे थे ना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट टाइम टू से दैट्स व्हाट शी सेड. नाइस वन विश्वा, नाइस वन वेलोसिटी. एक सेकंड, तो तब तक मैं चेस बोर्ड सेट कर देता हूँ. क्या बोलते हैं सागर शाह जी, आपको मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट ऑन chess.com. अभी लाइव? Of course we are live भाई. Oh we are live already. अरे God. Level सेटिया क्या हो गया आपको यार, हम लोग को आधा घंटा हो गया live होके. Oh my God, I thought the stream just began. Oh shit. F in chat for Level सेटिया. Okay. क्या हम लोग क्या chess खेलेंगे भाई? हम लोग को ये नहीं आ रहा है समझ कि live है कि नहीं हम लोग. Okay, cool. Oh man. I have to say Arunav Bhattacharya has contributed 10,000 rupees through Google Pay, which is being the biggest contribution until now, I think. Amazing. Nice, man. So many contributions. Thank you. We have... Keep donating, guys. Keep loving chess. And hello, everyone. Today, we are going to play against. Do you know whose voice I am doing, Kishan? Yeah. Can you guess? Hello, everyone. It was in this position that Kishan did not resign the game. Hey, please let Kishan say, I wish he makes a spelling mistake verbally also. So I am thinking how to pronounce his name. But you know who I'm talking about, right? Yeah, I know. Agadmeter. Agadmeter, I love. Yeah. That's how I discovered chess, actually. I used to watch his videos and I used to follow whatever he used to say. दोस्तों जो भी मैंने आपको वीडियोस दिखाए उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एक बार जाके वहाँ पे दर्पण ओपी और किशन ओपी कर दीजिएगा. दोस्तों ओपी इज अ वेरी स्ट्रीमर टर्म दैट आई रिसेंटली लर्न्ड. ओपी मींस ओवर पावर, मतलब आपने ऐसे दुनिया हिला दी भाई, आपने ओवर पावर कर दिया सबको. तो व्हेन समवन राइट्स दर्पण ओपी दैट मींस यू हैव डन समथिंग क्रेजी. व्हेन समवन राइट्स एफ इट मींस किसी ने कुछ तो ऐसे हगा है थोड़ा सा, मतलब जैसे अभी वैभव सेठिया ने बोला हे आर वी लाइव, तो तब जनता करेगी एफ 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 इन चैट. तो ये थोड़ा गेमर टर्म्स है दोस्तों. सो नाउ वी आर ऑल, बाय द वे आई शुड टेल द व्यूअर्स टिल बिस्वा कम्स दैट द वे इन व्हिच दर्पण एंड किशन प्ले चेस इज थ्रू अ चेस सेट व्हिच इज स्पेशली मेड फॉर विजुअली इंपेयर्ड चेस प्लेयर्स. इट्स कॉल्ड एज अ ब्रेल चेस सेट एंड इट हैज होल्स एट ऑन द बोर्ड एंड देयर आर पिंस ऑन द पीसेस. मतलब मूव करते वक्त यू मूव अ piece out of the hole and you put it into another hole and they can touch the piece and before moving. So they use that while playing, but today when they will be playing they are not going to use that board. They are just going to play blindfold, because even when they are normally playing, most of the times they have the position in their head. They just touch so that they are sure ki sab kuch theek hai ki nahi. It's nice, man. Yeah. Are we spectating, Samay? I can spectate your game, is it? You have to spectate our game and right. I'm just arranging the board. So go on. I don't say anything of value. I just blabber. I am just filling the silences. You are talking the real stuff, guys. No, I wanted to ask you guys, you know, how is the experience with Sagar, you know, his teaching? Sagar is amazing. The only thing I have, first thing I found against Sagar is that how has he not made his app on iOS? Yeah, why not? I have been watching Chessbase India for so many days, following them, trying to solve their puzzles. And for 5 days nonstop, I went back seeing the comments that someday Chessbase India will publish a result. Basically, turns out it is on the app. You are showing off that you have iPhone. That's it. No, but there is no app on iPhone, so it was damn weird. But anyway. No, but it's amazing. You solve positions every day. Those are not easy. I sent it to Anirban also, and Anirban is sending it back to me after 3 days. Iska solution mila kya? I'm like, I'll ask Sagar, wait. That's when I came to know. Ek second. Amazing. और किशन जी, आपने गलत इंसान से सवाल पूछा कि हाउ डू यू फील अबाउट सागर्स टीचिंग, बिकॉज़ वैभव सेठिया हैज नॉट वोकन अप इवन वन डे एट 7 AM फॉर द कोचिंग. मैं और विश्वा रोज 7 दिन से मेहनत करके सुबह 7, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू वेक अप एट 7 AM. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक टू कॉमेडियंस वेक अप. वन इज ऑल्सो इज लाइक इनक्रेडिबल, टू इज ऑफ. नो वन वेक्स अप अर्ली इन कॉमिक्स. इट्स रेयर. इनक्रेडिबल फियर. Today actually Biswa messaged me on his own. Sagar bhai, aapka internet saying that
हाँ अब सही है, आपका इंटरनेट बीच में चला गया था, अब सब सही है। सागर भाई मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सागर चेस पे। ओके एक सेकंड। क्या है आपका सागर? चेस वन। सागर चेस वन। अरे आई एम है इस पे लिखा हुआ, बाप रे बाप। अच्छा मुझे भी पता। मुझे आप लिंक भेजेंगे या कैसे हो? मैंने आपको चैलेंज भेज दिया, आप chess.com पे आ जाएं। हाँ फिर आपको आ जाएगा बॉटम राइट में, समय रहना है चैलेंज यू टू लूज। ये देखो फनी तो हूं ना मैं थोड़ा सा यार दर्द बनर किशन भाई। आप दोनों हंसते थे तो थोड़ा वैलिडेशन मिल जाएगी, मैं बस जोक मार के आप दोनों को देखता हूं कि हंस रहे क्या। हां बढ़िया है बढ़िया। शुरू हो गया, अबॉर्ट कर देते हैं और हम रीमैच कर देंगे फटाफट से। मैंने रिजाइन कर दिया, आई विल डू अ रीमैच, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। अच्छा मतलब यू विल गिव देम वाइट और हाउ इज इट? एनीथिंग वर्क्स, आई एम जस्ट एक सेकंड। दोस्तों वी आर वेटिंग फॉर बिस्वा फॉर वन लास्ट मोमेंट, इफ बिस्वा डजंट शो अप देन लाइक बॉबी फिशर लॉस्ट ही विल आल्सो लूज। इट्स लाइक बिस्वा ने सारी क्लासेस की पर कर गया एग्जाम का। I remember Biswa mentioning in one of the streams where he said itna subah wo class ke bhi nahi aaya aur fir professor ne usko attendance ka kisi tarah pass kiya. I'm telling you main subah itna kam uth sakta hu, meri second year mein 7 mein se 3 subject mein back thi attendance. Main uth hi nahi sakta, impossible mere liye. What main jis din subah uth jata hu mere ko aisa lagta hai duniya aaj ab bacha hi gaya. All right guys, we are ready to begin. Biswa will be joining us shortly, so let's begin. So let me remind the audience that Darpan is the brain and ek second, and Kishan is the hand for the beginning. And let me see, everything is all right. Yes, I am sending you a challenge rematch. Okay. Yeah. White black to decide nahi kiya. जो आएगा वो आ गया भाई। आपको आपने भेजा? मैंने आपको भेजा है। मैं अच्छा वांट्स अ रीमैच आ गया मेरे को, वांट्स अ रीमैच। यस ओके वी आर वाइट। अच्छा आई एम सपोर्टिंग दर्पण एंड किशन। आई एम आल्सो सपोर्टिंग देम ओनली। हो जाए दोस्तों, आपकी बारी है दर्पण जी। Okay. So d4 okay d4। अरे यार क्वीन का पॉन खोल दिया यार, ये यही ओपनिंग तो नहीं आती मेरे को। मेरा भी यही केस है भाई। वी बोथ प्ले डिफरेंट ओपनिंग्स। अरे मजा आ गया भाई, स्टाइल इज आल्सो डिफरेंट यू नो। अब वैसे क्या करना है, हम भी क्वीन पॉन खेले क्या? d5 ओके d5 they played d5 yeah delhi fire right okay knight f3 vaibhav bhai acha vaibhav is gone na huh? Oh nahi I'm not gone, I think I was muted, sorry. e6 behtareen bhai e6 yeah अरे यार वैभव सेठिया क्या करे? वैभव भाई अपने आप नहीं लगाते हो। C5 हाँ पता नहीं कैसे C5 करें? C5 करना है क्या? सोचने बोल जैसे भी, नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर देते। हाँ C5 खेला।
दर्पण एंड किशन दे प्लेड C5. दोस्तों सब चंगा सी अगर है तो सब चंगा सी बोल दे, मैं बार बार थोड़ा स्ट्रेस ले रहा हूँ. इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट लेट मी नो. Should we mention pawn c5 like for ease if you guys bro, are their pawn, rating is 2100. If you say c5 they know it's pawn c5. I know, I mean like I probably misunderstood what dosto, you said. This is the Google Pay ID chess based India @ okay HDFC Bank. This is the UPI ID, and if you are living abroad, PayPal, you have it's PayPal or PayPal or PayPlu PayPridi. It's in the description guys. Has diya bhai, has diya Darpan aur Krishna, has diya. I am successful guys. I am a comedian. Sorry, what did you say? We played C5, guys. Yeah, I said pawn. D2D5. Okay, just for the viewers who have just joined in, Kishan and Darpan are both playing without a chess set. They cannot see anything on the screen, nothing. They are thinking in their head and they are saying, and they are playing hand and brain while Samay, Vaibhav can see the screen and they are playing them. क्या ले ले क्या भाई उसका. हाँ हाँ ले लेते D5 को और पॉन ले ले. E takes on D5. Okay, E takes on D5. Yeah. Knight. Knight C3. अरे भाई. तो मेरे ख्याल से अपने भी knight निकाल लें क्या जी वाला. जी वाला हाँ. Five moves are done for white. G6. So from now Kishan will become the brain and Darpan will. Are you serious? Are you serious? Oh my god. Yes. All right. Knight F6. So now it is changed. Now Kishan is going to be the brain and now Darpan is going to be the hand. Yeah. Man, ये हमें ही confused हो रहा है भाई खुद तो. For all the people who are asking what is the donation for, all of the money collected will be used for spreading and improving the situation of blind chess in India. There are so many young talents out there who are very good, but they do not have funds to have good softwares, to have good training, to go to tournaments and play. All of this money will be used to promote blind chess. And as has been told before, chess is really an ideal tool for blind chess players, so please do contribute. All right, it's on them. Kishan, you are the brain now. Yeah, I said pawn. Pawn, okay. Pawn, yeah? Yeah. Pawn takes c5. Kar le kya? Le le kya? Haan, haan, le le de, main kya to do. Bishop takes on c5. Okay. So आराम से खेलते हैं भाई भाई, सोच के खेलते हैं हम लोग. हाँ मतलब I think अभी हाँ अब थोड़ा सोच समझ के करते हैं आगे क्या करना. What did you play? Bishop into c5. Okay. It's Kishan's, he's playing, yeah? Okay. Knight. Knight. Okay. Knight. Knight D4. Okay. You wanna knight develop करना है क्या? हाँ 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 हाँ. पक्का? हाँ करते ना. Knight to c6. Knight c6 was the last move. Kishan. Yeah. Knight takes c6. Sorry, knight. Okay, knight takes c6. वापस कैप्चर कर ले. पॉन से ले लूं? हाँ हाँ ले ले. अच्छा खेल रहे भाई, अच्छा खेल रहे. हाँ अभी तक तो आलिस वाल, आलिस वाल, आलिस वाल. पॉन.
अरे यार मेरे को बार दिख गया, मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, रुक जा, I'll just hide the bar. दर्पण, किशन सेड पॉन. पॉन ओके. Sagar, are we playing well? Are you proud of us? Yes, I'm so surprised that you guys are taking no time playing so quickly. Matlab, so much improvement, yeah, in playing. Someone has donated $10. Kaushal Nasit, buy Dabeli for Darpan after the lockdown. I studied in Vadodara. Vadodara ki Dabeli bahut famous hai kya? हाँ, बड़ोदा में एक्चुअली सेहो सर फेमस है. अच्छा, दाबेली मतलब है, बट आई थिंक दाबेली शायद सौराष्ट्र साइड ज्यादा है, बट बड़ोदा में सेहो सर बहुत फेमस है. सेव सेव उसल, सेव उसल उसल. अच्छा, आई डोंट नो उसल, आई नो मिसल. हाँ, उसल इज विदाउट, आई थिंक मिसल विदाउट द वो चिवड़ा रहता है ना, मतलब सेव तेरा, दैट इज. ये कितना मस्त है भाई, हम लोग चेस गेम भी कर रहे हैं और बीच-बीच में मिसल उसल भी कर रहे हैं भाई. कुछ नमकीन का पानी रहता है, मतलब पानी रहता है, एक तीखा सा पानी रहता है, मतलब सारा स्पाइसेस डाल के और साथ में नमकीन देते हैं. सो और बर्न के साथ उसको खाने का, मतलब जितना आपको नमकीन चाहिए उस लिक्विड में डालो एंड देन इमर्स द बर्न इनटू इट एंड देन ईट, ऐसे कुछ रहता है. बट दर्पण, ये सब उनका ट्रिक है तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के. यू नो अस सागर शाह. अच्छा, डिड आई से A3? Sorry, you have to. You can't say A3. A3 or E3? You can say the piece. एक second. What did you last move क्या हुआ था? B takes on C6. B takes on C6. Okay. B takes C6 हुआ and Kishan said pawn. So now Darpan, your move. What pawn move do you want to play? Okay. E3. Okay. Okay. By the way, Samai, sab log, I think few people are saying in the chat, if you can have the bar, evaluation bar, they can see ki kya chal raha hai text. Aisa hai kya? Wo to, I'm playing myself, right? Haan. So, it's okay, we will analyze the game, no? So, they will understand. Theek hai. Kya kare? I think, castle kar lenge, unhone pawn E3 kyun kiya hoga? मतलब मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ थ्रेट तो दिख नहीं रहा है सच. हाँ, कैसल कर लेते हैं. कैसल, शॉर्ट कैसल. बिशप. लास्ट ब्लैक्स लास्ट मूव वाज कैसल. किशन सेड बिशप. व्हाट्स योर मूव? बिशप E2. ओके. रुक डेवलप कर ले क्या E8 पे? E8 पे हाँ, मतलब कर सकता है. आई डोंट नो, मेरे को भी मतलब ऐसे कोई पॉइंट अभी पता नहीं है, कुछ देख ले जैसे भी. कर लेते हैं. रुक ये कर ले. Now by the way, 10 moves are done. So Darpan becomes the brain again and Kishan is the hand. So Darpan, you have to now say the piece. अच्छा, पर कैसल को कैसे बोलूं फिर? किंग बोलना. अब आपने बोल दिया भाई कैसल ही. ठीक है, तो कैसल है. कैसल कैसल दिया. ओके, अपना डार्क स्क्वायर बिशप कुछ खास कर नहीं रहा भाई. ले लें उसको इस पे, D6 पे. D6 पे लेना है या फिर B6 पे लेना है? D6 पे लेना है क्या? हाँ, एक्चुअली D6 पे लेते हैं. पक्का? हाँ, बिशप टू D6. बिशप डेली 6. ओके. वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज वेरी सिमिलर साउंडिंग इन चेस इज डी एंड B5. जब भी आप डी बोलते हो या बी, सो यूजुअली वी ट्राई टू से दिल्ली एंड बॉम्बे समथिंग लाइक दिस. सो देहरादून. So it's I'm hand now, right? I'm brain now, right? Yeah, you're the brain. Yeah. Okay, Bishop F3. No, you are. Bye. It's very confusing. So Bishop, right? Yeah.
you guys have to also remember the position. You have to remember not to say out the move. So it's not easy, but I have the hang of it. And also we are changing roles, so it becomes a bit, And tricky. You're also doing it for the first time, and that's insane. Biswa Kalyanrath is here finally, guys. Biswa Kalyanrath in the chat. Hello, dosto. How's it going? Biswa is here. Kya kar rahe the, bhai? Bartan dho rahe the? Bhai, haan, waisa hi kuch. Matlab, kapde dho rahe. Yaar, subah-subah, 8 baje Sagar Shah ke lesson ke liye uth jate hain. Uske baad, दिन भर काम करने का मन नहीं करता कि सुबह चेस खेल लिए तो अभी लगता है कि आज का इम्प्रूवमेंट सारा अभी कर लेना है तो सारे काम शाम तक लेट कर करके अभी अभी सारा खत्म किया बढ़िया भाई आई थिंक यू केम एट द राइट टाइम क्योंकि गेम इज बिकमिंग इंटेंस 11 मूव्स आर डन लिंक भेजो भाई समय मेरे को लिंक भेजो भाई आप स्पेक्टेट करें ना मेरे को जाके हाँ ये भी सही जो मेरे से होता नहीं है प्लीज लिंक भेज देना भाई भाई भेज रहा हूँ मैं गधा हूँ मुझे माफ कर और लिंक भेज दे भाई भेज रहा हूँ भाई सो किशन व्हाट्स द मूव बिशप f3 ओके बिशप f3 हमारी बारी है सेठिया भाई मेरे ख्याल से पहले तो क्या क्वीन ले लें क्या c7 पे डबल अटैक करेंगे क्वीन c7 हाँ हाँ क्वीन c7 Queen c7. Pawn. Pawn. Kishan said pawn. Darpan. Okay. Pawn g3. Hey, knight link kya isme e4. Knight e4 se kya hoga? Wo apne knight se wait, wait. हाँ knight से मारेगा फिर अपने recapture करेंगे अच्छा बैठ और अंदर चला जाएगा उसका bishop और कोई फायदा नहीं Guys, मेरे बिशप सी वाला बिशप उसको h3 पे बिठा दो ना आराम से नहीं मैंने नोटिस किया है मैंने बहुत बार ये सेम पोजीशन में आया हूं मैं और बिशप h3 इज नॉट अ गुड मूव मैंने नोटिस किया क्योंकि आफ्टर दैट हिज बिशप कम्स बैक टू g2 एंड इट्स नॉट गुड ओके गुड गुड ओके क्या हम लोग अटैक कर हां h हां वही h5 कर सकते हैं क्या h5 करना हो जाएगा लेकिन अगर h5 किया फिर हम हाँ ठीक है अच्छा सुन दूसरा बिशप a6 पे भी जा सकता है हाँ सी वाला बिशप बिशप a6 मतलब अगर तेरे को कहीं बाद में लेना है जस्ट सेइंग लाइक इफ यू वांट टू डेवलप दैट बिशप समवेयर a6 कुछ अच्छा नहीं रहेगा a6 हम अगर लेंगे ए h5 से पहले एक बार रुक को e5 कर लेंगे हम नहीं नहीं रुक e5 नहीं रहेगा वो सही सही अटैक शुरू कर देते हैं हम वो टेक करेगा ना क्वीन वहां पहुंच जाएगी उसकी वही स्ट्रेस अरे हाँ हम लोग अगर h5 करेंगे वो बिशप से ले लेंगे ना यार क्वीन आ जाएगी इसीलिए तो मैं बोल रहा था पहले रुक एक बार बढ़ा ले गया आगे वहां कोई थ्रेट भी नहीं और देयर इज नो वे ही कैन इमीडिएटली चैलेंज द रुक ऑन e5 आल्सो रुक e5 अगर ले लिया तो क्या थ्रेट है हां ठीक है ले लें बिस्वा हां मेरे ख्याल से तो ले सकते हो ले ले मेरे को ऐसे रुक बाहर निकाल के घूमना रुक e5 who is the brain right now? I. Yeah, Kishan is the brain. Okay. Yeah. So. Pawn. Pawn. Okay. Pawn. और फिर क्या करेंगे वो फिर वो नाइट b5 करके डबल अटैक करेंगे तो एक पहले तो हाँ मेरे ख्याल से एक e6 कर लेंगे क्या नाम है a6 कर लेंगे एक बार सो दैट a6 से क्या होगा वो बिशप तो आ ही रहा है वहां पे हमने रुक नहीं लाना चाहिए था यार और नहीं अपने जैसे ही वो ले वो अगर अपना रुक लेगा अपने कैप्चर करके फिर एक और पीस पे अटैक कर सकते हैं ना उसका रुक या बिशप रुक या क्या नाम है बिशप अगर ब्लॉक करे पॉन a6 बोल रहे हो क्या हां पॉन a6 जैसे नाइट हिलेगा अपने कैप्चर कर लेंगे पॉन से हां समझ रहा हूं फिर उसके बाद जैसे वो अपना बिशप अपना रुक कैप्चर करेगा अपने बिशप से वापस कैप्चर करके उधर अटैक अभी अगर हम h5 चले जाएं
वो बिशप लाए, आई थिंक इट्स टू लेट, आई थिंक हम लोग को h5 चले जाना चाहिए, हाँ कर सकते हैं मेरे ख्याल है से। ना? हाँ हाँ h5 h5 हाँ अरे बिशप सर, बिशप कहा है किशन भाई ने? सॉरी ही सेड बिशप या हाँ बिशप ठीक है, बिशप b2 बेला टू ओके सो दिस वाज द लास्ट मूव 15th मूव एंड नाउ दर्पण विल बिकम द ब्रेन एंड किशन विल बी हैंड फ्रॉम नेक्स्ट मूव ऑनवर्ड्स। कर दें क्या? मेरे ख्याल से तो H4, h4 कर दें क्या? मेरे ख्याल से तो बाकी अब पता नहीं, हम h4 करेंगे, उन्होंने g4 कर दिया तो उन्होंने G4 कर दिया तो मतलब फिर रुक देखते हैं h4 कर पीछे ले देते हैं। जाएंगे, रुक पीछे ले जाएंगे। ठीक नहीं, हम h4 कर देते हैं, वो पॉन है बढ़ाएंगे तो हम लोग के पास है देखते अटैक। हैं ना, देखते हैं कुछ। हाँ h4 मजाक मजाक में गेम बहुत ही इंटेंस हो गया है अभी, h4 और बहुत ही सही अटैक आप लोगों ने ट्राई कर रहे हो आप लोग। हाँ एग्जैक्टली, ना आई एम द ब्रेन ना, या यू आर द ब्रेन। ठीक है। दोस्तों ट्राई टू गिव ऑल द डोनेशंस हियर, बिकॉज इफ यू गिव टू यूट्यूब सुपर चैट दे टेक अवे 30%। मेरे को जरूरी काम है लेकिन मैं नहीं निकल सकता ऐसा इंटरेस्टिंग गेम छोड़ के। कोई भी इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने फादर इन लॉ को बोले कि आप 10 बजे उठ नहीं सकते तो आप किसी को भी कुछ भी बोल आपकी सकते। आपकी फ्लाइट है ना अभी शायद से वैभव भाई, अभी नहीं है, रात को 4 बजे, रात को 4 बजे की वो फ्लाइट भी है अभी मेरी। समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट खुद डिसाइड नहीं कर अरे पा रही है कि भाई जाने दे कि कोरोना नहीं वायरस हो जाएगा भाई, दे। ध्यान से लो भाई फ्लाइट। फ्लाइट तो इतनी रिस्की नहीं है अभी, ठीक है। जा रहा है आई वैभव? रिसर्च, अच्छा हाँ आज रात का फ्लाइट लिया मैंने, फर्स्ट फ्लाइट है ना, सो आई थॉट दैट विल बी द भाई, सेफेस्ट वे। आप हम लोग अपने टाइम में बोलते हैं, उनके टाइम में हम लोग उनको सोचने देते हैं। ओके सो द लास्ट मूव वॉज h4, नाउ दर्पण इज द ब्रेन सो ही विल से द पीस एंड किशन विल हैव टू से द एक्चुअली या आई सेड रुक रुक। ओके रुक रुक टू c1। बिस्वा भाई खामोश ओके बैठे हुए, मेरे ख्याल से एक वो ले लें क्या, ये ई पहले ये सोचते हैं ए ए ना। सिक्स देख, वो क्या, वो नाइट को अगर इधर लाएगा ना, क्या बोलते हैं B5 पे, तो अपने कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बेसिक प्रॉब्लम ये हो जाएगा, तो अपने A6 ले लेते हैं। अरे 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 थैंक, अरे विदित गुजराती इज हियर भाई। हेलो ओहो हाय गाइस, हम लोग की टीम में। विदित भाई कैसे हो आप? मस्त मस्त, हाउ इज इट गोइंग? मैं अभी ओ जस्ट ज्वाइन किया, H5 H4 वाला पोजीशन देखा। बहुत इंटेंस मैच चल रहा है, मैं शिवर कर रहा हूँ लिटरली, क्योंकि मेरा AC 16 पे अच्छा। हाय दर्पण, हाय किशन, हाउ आर यू? We are good. We are good. We are all good. How about you? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। भाई आई सी 1-0 स्कोर है, पहला गेम हार गए क्या समझ? नहीं, वो मैंने ऐसे रिजाइन किया था भाई, आप ऐसे डिमोटिवेट कर दो भाई विदित भाई। ओ मैन एक्चुअली दिस वुड बी द राइट टाइम टू से दैट विदित जॉइनिंग दिस स्ट्रीम इज वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज ही इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लाइंड चेस इन इंडिया, सो ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। सो विदित व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज प्लेयर्स? Well, first of all, I'm very proud of them because I've seen them play when I came to Mumbai, and I saw that love for the game, you know, in chess and how they prepare. Even I saw, I don't remember who was showing me, but he was so quick with the computer, like when preparing, and he was entering the games and analyzing it. I remember in Mumbai, I think you even shot the video, Yes. and I was so impressed by all of that. So I'm just very proud and happy for them. एंड विदित, मेरे को ये पता नहीं था आपके बारे में, मेरे को आज सागर शाह ने बताया, दैट इज सो कूल मैन। Well, अरे actually, Sagar has been doing so many things, you know. Like he did a coaching camp. He covered the entire tournament which happened in Mumbai, their national championship, and he even traveled with them to Europe. Right, Sagar? You Yes. traveled? Yeah, he even traveled with them with the tournament, you know, for the tournament. So Sagar is सागर इज the ओपी गाइस, सागर ओपी, विदित ओपी, दर्पण ओपी, real. किशन ओपी, एवरीवन ओपी एक्सेप्ट कॉमेडियंस। Yeah.
दोस्तों अभी हमें सोचना है, बहुत ही इंटेंस पोजीशन पे हैं हम लोग। वैभव भाई क्या है आपके उसका थ्रेड? देख उसका थ्रेड मेरे को लग रहा है नाइट टू बी सिक्स है, बी फाइव है, नाइट टू बी फाइव। हाँ, और अपने कैप्चर नहीं कर पाएंगे पॉन से क्योंकि कोई नागेंगे, तो ए ए ए सिक्स कर देते हैं, ए सिक्स कर देते हैं पहले। पर हम लोग अपना अटैक शुरू कर सकते हैं क्या यहाँ से अभी? अगर हमने मान लो देख वो एक और चीज कर सकता है, अपना जो डी फाइव वाला पॉन है वो उसको नाइट से कैप्चर करेगा, फिर उसपे ट्रिपल अटैक है ऑलरेडी। हाँ, अगर उन्हें नाइट टेक्स ऑन डी फाइव खेला, हम नाइट टेक करेंगे, वो बिशप लेंगे, नहीं नहीं हम रुक से मार देंगे, हो जाएगा हमारा पॉन पिंड है। गाइस एक सेकंड नोटिस कर लो, हमारा वो जो सी सिक्स पॉन है वो पिंड है, द मोमेंट द नाइट मूव्स दैट पॉन इज पिंड। ठीक है, तो लेट्स प्ले ए सिक्स फर्स्ट। अरे ए सिक्स रुक तो, अरे भाई तुम क्या बात, ठीक है बट तू और क्या सजेस्ट कर रहा था वैसे? अरे डी फाइव पे अटैक है क्योंकि हाँ। पहले वो बिशप से लेगा, तो वो बिशप से लेंगे, हम नाइट से लेंगे, अभी वो नाइट लेगा, वो नाइट से लेंगे, हम रुक से लेंगे ना। Sagar, can you send me the link of the game? I'm unable to follow. Sure, sure. By the way, the move played Kishan and Darpan is A6. They played A6. Acha, A6, okay. Who's the brain? Ha, you are the brain. Ah, okay. I'm the brain, yeah. He played pawn a6, ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा, हैंड एंड ब्रेन चलेगा। हाँ हाँ, विद ये अपने दर्पण जी और किशन जी हैंड एंड ब्रेन है, और हम लोग वही बदतमीज तीन लोग मिलके चेस खेल रहे हैं। ए6। ओके। एक्चुअली अब उसकी क्वीन डी5 पे पहुंच जाएगी। भाई आप ऐसे हेल्प मत करो उनको, आप हमारे साइड मतलब हेल्प तो क्या ही है यार। वेबो यू आर ट्रैवलिंग समवेयर? I'm heading back home, yaar. Where do you Calcutta, live? Calcutta. Oh, okay. So, abhi tak pata nahi hai flight jayegi ki nahi jayegi. There's been some announcements which are just confusing. No one's clarifying whether the flights will also, go. Also, situation in Calcutta. Night bol diya hai. Darpan ji ne night bol diya hai. 19 to D5. Haan, situation in Calcutta is also very grim. Sacrifice ho chuka hai. Aray, baap re, 19 to D5 khel chuka hai wo. हाँ, तो एक तो लेना ही पड़ेगा, नाइट से नाइट लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, अरे अपना रुक मरेगा ना, तो हम लोग नहीं, नहीं नहीं पहले नाइट से ले। अरे हम नाइट से लेंगे, वो बिशप टेक्स ई5 खेल देंगे ना, फिर उसके बाद तू रुक जाना एक बार और फिर कुछ और देखते हैं, मतलब अभी तुरंत वापस कैप्चर नहीं करते हैं, बट एक बार तो लेना ही पड़ेगा, अभी और कोई उपाय नहीं है। किससे लें? रुक से भी लेंगे तो मर रहे हैं हम, और समय गधे जब मैं यही बोल रहा था। अरे सॉरी भाई, मेरे को अरे ये तो हमने डिस्कस भी किया था, उछल के अटैक करना है तुमको। नहीं नहीं, दो सेकंड बैठ के सोचने को लेना है। मेरे ख्याल से नाइट से अगर ले लेगा उसके बाद अपने रूक हिला देते हैं। अरे हम नाइट से लेंगे, वो बिशप से लेगा, रूक ले लेंगे भाई। हाँ लेने दे, फिर अपने हिला लेते हैं, वी विल जस्ट लाइक रीमैन्यूवर टू समथिंग एल्स। हम नाइट से नाइट लेते हैं, वो बिशप से रूक लेंगे, हम अपने बिशप से उनका बिशप ले लेंगे। अपने बिशप से कैसे लेगा उसका? अपना डी फाइव सिक्स पे है ना बिशप। हाँ, उससे क्या लेगा? अभी हम नाइट से डी फाइव लेंगे, वो अपने बिशप से डी फाइव लेंगे, राइट? फिर हमारी बारी है ना। हाँ हाँ, फिर हम हिला लेंगे रुक को। हाँ फिर अपने हिला लेंगे ना, वील जस्ट लाइक मूव, या वील नाइट से नाइट ले लो। हाँ मेरे ख्याल से लेना तो पड़ेगा। नाइट टेक्स ऑन डी फाइव। अरे क्या हो गया भाई? भाई तू एक सेकंड रुकता क्यों नहीं है? क्या बोला था? डोंट ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ऑलवेज गो विद योर सेकंड इंस्टिंक्ट। योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज रॉन्ग। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा। मेरी क्वीन डी एट वॉज द ओनली अदर ऑप्शन, बट आई डोंट नो। बिस्वा भाई आपको कुछ गलत लग रहा है क्या? अरे भाई वो जब लास्ट मूव इज nxd5 या नाइट टेक्स d5 वाज प्लेड बाय ब्लैक, नाउ इट्स योर मूव, यू कैन से द पीस, किशन विल मेक द मूव। फिर से बता रहा हूँ, c6 पॉन पिंड है भाई, समय देख। हां हां, बिशप बट बिस्वा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा मूव होने के बाद क्यों बोलते हो? आप पहले से बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ।
अबे डीफाई वाला हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे ना कि वहां पे क्या होगा, तब तू बोला नहीं, इसलिए वो बोल रहा है शायद। बिस्वा लेट ओपी ले 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 बिस्वा लेट ओपी ले लो ना, बिशप से ले लो ना, ले 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 ले, फिर तेरा नाइट जाएगा फ्री में और क्या। अरे पर सेम चीज, अगर आप रुक से मारते डीफाई पे तो यू वुड हैव गॉट टू पीसेस, इट वाज टू मूव कैलकुलेशन, ही वुड हैव टेकन विद द बिशप, यू वुड हैव टेकन विद द नाइट। अरे यार एग्जैक्टली हां, हम जीत रहे थे क्या भाई? मेरे को सोल्यूशन नहीं दिखा था, मेरे को प्रॉब्लम दिख गया था, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं दिखा, तो तू कुछ ज्यादा ठीक है भाई, मैं भी कहता हूँ भाई, अब बस मैं वो सेट है जो नहीं करता भाई, मेरे ख्याल से कैप्चर तो कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा। आप नहीं नहीं, अभी एक सेकंड, अभी आपने अभी बिस्वा बोलेगा भाई, अभी बिस्वा बोलेगा भाई, चलो भाई बताओ भाई क्या करना है, बिस्वा बताओ भाई। रिजाइन। Wait, I think Darpan was saying something. We cut him. Yeah. Sorry. Darpan, yeah, what were you saying? Yeah, I think Knight Plus D5 was a blunder. Yeah. Very simply put. Simple, short, काफी short and sweet. Darpan बोल रहा था कुछ explain करूँ कैसे blunder या अभी और क्या बोलूँ? चलो एक piece down है, अब खेलते हैं और क्या कर सकते हैं? हाँ ले लेते हैं। ले लेना बिशप। हाँ मतलब मेरे को तो और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। बिशप इनटू ई5, दे प्लेड बिशप इनटू ई5। दर्पण इट्स यू हैव टू टेल द पीस, किशन विल मेक द मूव। ठीक है, ऑब्वियसली दिख रहा है, बट स्टिल लेट मी चेक वंस कि क्या कर सकते हैं। और बाय द वे विद दिस, ये जो स्ट्रीम चल रहा है इट इज फॉर अ गुड कॉज, लाइक ऑल द मनी दैट इज कलेक्टेड हियर will be Bishop. Promote blind chess in India. Bishop, Kishan. Oh, really? Yeah. So, until now, we have had so many contributions on the Google Pay link that has been provided. Google Pay ID. It's a huge number of contributions. So, thank you so much, chat. You guys are the most loveliest people. Please keep donating on this chessbase India @ OKHDFC Bank. And Darpanji has said Bishop. Thank, let me also jump into DeFi. Do it. अच्छा उन्होंने बोल दिया, किशन ने बोल दिया। ए, मेरे ख्याल से पॉन पहले ले लें क्या एक? बिस्वा एक बार नहीं, अभी अभी हम लोग सब बिस्वा से अप्रूव करेंगे एक बार। ओके। भाई मेरे ख्याल से पॉन को H3 पे रखना चाहिए, वो मेरा मेरा गट इंस्टिंक्ट है, क्योंकि वो बाद में फिर क्वीन या बिशप वगैरह उसके अंदर अच्छे से घुस सकते हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ हम लोग pawn into h3 कर लेते हैं, so that later when we analyze we can say that Biswa also made a mistake. pawn captures on g3 or pawn goes to h3. capture करके तो कुछ फायदा नहीं है, h3 पे रखोगे तो बाद में कुछ threat बन सकता है। नहीं, I am saying let's just do it. मेरा side है, ठीक है? अपने पास light square bishop है नहीं फिर उसके बाद तो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बाद में हम analyze करके फिर Biswa की भी गलती थी तो हम लोग equal हो जाएगा ना, हम सो पाएंगे रात को। हमारे पास नहीं है, सॉरी है मतलब, बट उसका नहीं नहीं है, सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड, बट आई डोंट नो, मतलब मेरे को लगा था ये बैटरी अपना बना हुआ है, वी कैन पुट सम। अरे भाई भाई सुनो एक मिनट, अच्छा ठीक है एक मिनट सुनो, सुनो सुनो पॉन टेक्स ऑन g3। हां फिर वो अपना पॉन लेंगे, वो शायद रूक से लेगा, नहीं रूक से लेगा शायद, रूक से कैसे लेगा, पॉन टेक्स ऑन g3 क्योंकि क्वीन थ्रेट हो रहा है ना, वो शायद तक लेगा उससे, बट फिर अपने चेक दे सकते हैं, सो वी हैव अनदर इंटरमीडिएट। एक सेकंड एक सेकंड If you resign, I'll immediately donate. Can you donate a good move? We will resign eventually anyway. I'm just kidding. रुको भाई लोग। हाँ, सोचो सोचो, अभी रुक जाते हैं। देख, एक पॉन जाएगा, लेकिन उसका किंग पूरा नंगा हो जाएगा। भाई सुनो मेरी बात। Just calculate this. Pawn takes on g3. हाँ। His pawn takes on c6. Oh, हाँ ठीक है, हाँ rook वो जो भी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, c6 कहाँ है भाई? नहीं नहीं सही है, कौन सा rook takes on, ये जो इसका rook है c पे, अरे हम check देके खत्म कर देंगे ना, अगर वैसे गलत वो blunder हो जाएगा ना भाई, खत्म तो नहीं होगा। Pawn takes on g3, rook takes on c6, pawn takes on h2 with check। हाँ वो फिर capture कर लेगा king से और अपना अपना queen अब attack पे। अरे वो कैसे करेगा कैप्चर? और बैटरी भी हटेगा, देख ले जैसे भी, मतलब g3 तो लेना चाहिए मेरे ख्याल से, आगे देखते हैं। If pawn takes on g3 and rook takes on c6, right? देखो, if then pawn takes on g3, देगा, rook takes on check देगा, c6, then pawn to h2, pawn takes h2. On h2 with check, how can he, right. his king capture the pawn? No, his king can't, but his king will just move and then like
वो नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्वीन हटानी पड़ेगी वो बैटरी से. मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग गोइंग फॉरवर्ड बट हां मतलब इट्स स्टिल वर्थ ट्राइंग फॉर श्योर. वर्थ ट्राइंग फॉर श्योर. सोचते सोचने वाली पोजीशन है बट लेट्स नॉट डू इट. लाइक आई सी व्हाट यू या लेट्स हां लेट्स जस्ट व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचने वाली पोजीशन नहीं है. Let's just believe that humankind can make blunders again. So I'm just kidding. We're just waiting for them. अरे यार, बिस्वा भाई आप बताएं क्या सोच रहे हैं आप? Queen to D7 कैसा लग रहा है? D7. Queen to D7 क्या करने के लिए? वो Bishop C6 ले लेगा. How about Bishop to B7? हाँ, maybe B7 Bishop. हाँ. Not bad actually. है ना? But yeah, bishop to b7, queen to c2. Queen to c, कहाँ c? ये रहा c, c2. C, queen to c2, हाँ, oh, okay. We have 8,000 watching now. दोस्तों, please everyone, please donate and please like the stream so that more people come here. I think b7 is a bishop b7 is still a decent move kyunki apne rook fir c8 ha, I know. Let's thoda tactics sochna band karo aur 1 second ke liye socho hamare paas kya hai. Theek hai hamare paas but I still think you can't tactically outmaneuver professional players. Just hamare paas kya hai so you can hold on to the position and wait for a mistake. Acha rogo itna bada speech dene ke baad viswa aap move bataye nahi aap ye sab mat bolo. सोचने का तरीका बदलते हैं थोड़ा. बदलते हैं भाई. तुमने बैटरी बनाया बहुत सही बनाया कुछ काम नहीं आया. ठीक है बैटरी को जाने दो अभी. ठीक है अरे मूव बोलना. मूव आ दे आप मूव बोलो भाई. आप बातें मत करो आप मूव बोलो. मेरे हिसाब से देखो या तो ये जो बिशप को लेके जाते हैं S3 पे या तो पॉन को लेके जाके S3 पे भाई. ये तीनों लोगों का टीम में कैसा है. बिस्वा बहुत सारा ऑप्शन देता है. वैभव एंड में बोलता है जो करना है तू जरा देख ले जैसे भी होता है चलेगा. और फाइनली समय बोलता है अब मैं करूँ क्या. ठीक है देख बोल दो भाई बिस्वा भाई गलत है आप बताओ गलत है. बिस्वा को फोन आ गया उसका जल्दी खेल लेते हैं. बढ़िया है भाई. घर पे कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है फिर उसके बाद बोलता है ना अरे मैंने बोला था ये होगा नहीं. आई थिंक विश्वास दैट अरे बोला था वो चलता नहीं है वही चल दिया यार. ओके द मूव मेड वाज बिशप b7 दर्पण यू हैव टू से द पीस. किशन हैज टू मेक द मूव. सागर भाई बिशप दिल्ली या बॉम्बे से. बॉम्बे 7 बिशप बेला 7. ओके Bishop Bombay 7. Oh man. Bishop. Kishan, he said Bishop. Yeah. Kishan, what are the things you like in life? Chess. Nice try, bro. मैं दर्पण भाई को दो तीन बार ऐसे फोन करके डिस्ट्रैक्ट करूँ क्या भाई? दर्पण, you must have won so many games in your life. So many. You simply let one go. That's all right. Just थोड़ा सा रिस्क ले इधर उधर कुछ ऐसा just. रेजिग्नेशन का वेट कर रहा हूँ कि कब तुम लोग मानोगे कि हम हार चुके हैं. ओ भाई मजा आ गया भाई. इसको आप सुबह को तो एकदम फाइटिंग स्पिरिट में रहते हो. एक पीस भी मर जाता है तो कुछ भी नहीं फर्क. इधर तो आप एक्शन डाउन ही हो. अरे मैं बोल रहा हूँ कि फाइटिंग वैसा करने का थोड़ा दिमाग लगा करने का ना. ऐसा सीधा मतलब सब पीस डाउन होने के बाद टैक्टिक्स नहीं खेलना होता है.
फंडा होके पोजीशन बेटर करना होता है मेरे हिसाब से. आप लोग यहाँ पे सब लोग चेस प्लेयर हो पर मैं स्पीच दे रहा हूँ. बिशप एफ थ्री बोला है. बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि पहले अगर अपने जी थ्री ले लेते ना तो वो एफ पॉन से कैप्चर करता तो दोनों जन एफ सेवन पे दोनों टारगेट कर रहे थे. ओके अब हम क्या खेलें? मेरे ख्याल से तो कैप्चर कर लेते हैं पॉन. सोचो हाँ एक बार सोच लेते हैं पहले थोड़ा और या बिस्वा को सोचने दो पहले. मेरे को लग रहा है एक मौका मिला थोड़ा और रुक को डी फाइल में लाए क्या. हाँ ओपन फाइल रुक भी डी अच्छा है ना. रुक टू डी एट ना थोड़ा बेटर करो अपना पोजीशन. हाँ रुक टू डी एट करते एक सेकंड खाली. वो अगर वापस अपना रुक सामने ले आया ना तो अपने को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा. वो भी स्पेशली एफ वाला रुक तो अपने को एक्सचेंज करना पड़ जाएगा. सामने मतलब किधर भाई? सामने वाला मत बोलो भाई, स्क्वायर बोलो भाई. वी प्रोफेशनल d1 एफ टू डी1 रुक. वो क्वीन जाएगा ऊपर और फिर रुक एफ डी1 ले आएगा. कैसे एफ डी1 कैसे आएगा भाई? अभी पहले क्वीन हटाएगा वो फिर नेक्स्ट मूव. वैसे बोलो ना भाई. बट ठीक है एक मूव अपने पास भी आएगा बीच में खेल सकते हैं. एक बार तो क्वीन हटा सकते हैं पहले. रुक डी एट खेल रहा हूँ मैं बिस्वा. हाँ देखो आप लोगों ने खुद ने हिंट दिया कि क्वीन हटाना है अब हमें तो मुझे तो क्वीन ही बुला रहा ना. ओके रोल्स हैव रिवर्स्ड. किशन इज नाउ द ब्रेन एंड दर्पण इज द हैंड. 20 मूव्स आर डन. लास्ट मूव वाज रुक डेविड 8 रुक डी 8. दर्पण यार क्वीन विन ना ओवररेटेड है यार. नहीं क्या काम की लाइफ में भी चेस में भी क्या करेंगे लाइफ में भी असली चेस. क्वीन या क्वीन. ओके दर्पण यू हैव टू से द मूव. अच्छा आई हैव टू से द मूव. ओके क्वीन किधर डालें? सी टू हाँ यार वैभव भाई आपने बता दिया यार. वो तो E2 या C2 दो मतलब. अच्छा अभी अब जाएगा दूसरा लेके आएगा. मेरे ख्याल से कैप्चर कर लेंगे क्या पॉन G3 पे क्या? अरे बिस्वा मार देगा हमें. नहीं करो तुम. नहीं अब तो हमें करेंगे ना करना. नहीं परमिशन दिया भाई. मैं कह रहा हूं मेरा आईडिया है. हां एक क्या बोल हम H3 करते हैं पहले. हां फिर चांस तो है. हां मेरे को भी लग रहा है कुछ कर सकते हैं. बिस्वा भाई H3 करना है क्या? मैं तो H3 का बहुत बड़ा फैन. चलो भाई H3 आप ये दोस्तों ये मूव हम जब एनालाइज करेंगे तो अगर इधर गलती हुई तो बिस्वा आप हमें माफ कर देंगे. ठीक है ये बिस्वा की मूव है. टोटली बिस्वा की मूव है H3. चलो भाई काफी गलत मूव है मेरे को लग रहा है. विदित बताएगा ये मूव कैसा है. H3 गुड मूव है या नहीं? अभी मतलब कोई सा भी मूव खेलो सेम ही वैल्यू है उसका. H3 में थोड़ा ऑप्टिमिज्म है, थोड़ा होप है, इसलिए अच्छा है वो. चलो बढ़िया. They have not lost their heart, you know. Position they is lost, but जिगर अभी भी मजबूत है. They are like कभी तो back rank mate होगा. Okay, Kishan, you are the brain, so you have to say which piece. हम लोग DC की मूवी में मार्वल के एंड क्रेडिट्स का वेट कर रहे हैं. What did they say? H3. I think we should avoid a exchange and go to C8 maybe. Rook C8. Samar just wanted to say we have 9,000 more chains right now. Aray, thank you guys. Please like the stream. More people will join. And please follow all of the players today and write good things. And please donate. Most importantly, donate guys. Maza aa jayega. Hey Samar, what if we push C5? That is losing. Totally losing. भाई बताओ. काफी लूजिंग हारना है तो कर सकते हैं. There's no idea there. I know the idea you're thinking of, but वो idea नहीं काम कर रहा है. I thought of it. Okay, what if we get bishop d6 and then push c5? Bishop to d6 first. हाँ now that idea works. अब मेरे को भी idea समझ गया. बताना मत idea भाई. कर देना bishop d6. Right.
हम नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा गाइस, इधर कोई चेंजर तो है ही नहीं। बिशप d6 हो चुका है दोस्तों, बिशप d6, बिशप बेला, नहीं बेला नहीं, बिशप d6, डेविड 60। ओ माय बैड, सॉरी। अब देखिए गेम क्रूसल हुई गवाह है, बिस्वा भाई हम थोड़ा कोडवा में बात कर ही ले का। मैं एक चीज बताऊं क्या? हाँ, अभी बहुत आवत है हम तुम्हारा कोडवा। अरे वाह, कर दिए बर्बली टेटुआ दबा दिए हमरा। ये क्या था मेरी तरफ टेटुआ का मतलब पता है? नहीं इसलिए तेरे को लगा अजीब। टेटू मतलब एडम्स एप्पल। अच्छा एडम्स एप्पल, हां इसलिए विदित गुजराती को लगा। तेरा गंदा दिमाग, गंदा दिमाग है भाई विदित गुजराती का। मैं बोल रहा था कि अभी मैग्नस कार्लसन का सेमीफाइनल चालू है, उसको 7000 लोग देख रहे हैं और ये स्ट्रीम को 9000। अरे बाय 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 बाय, क्योंकि मैग्नस अच्छा चेस खेलता है। हम लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हम लोग टाइम पास करते रहे भाई, लोगों को टाइम पास करने मजा आता है। कितना मजा आ रहा है दोस्तों, ऐसा मजा आ रहा है दोस्तों, डोनेट ही करते रहो और मजा आ जाएगा। लोगों को डॉक्यूमेंट्री नहीं चाहिए, उनको रोडीज चाहिए हीरोज में। तो बिशप d6 वाज द लास्ट मूव। नाउ किशन यू हैव टू से द पीस, दर्पण विल से द मूव। विदित भाई आपको टेटुआ मतलब आपने क्या सोचा, जेन्युइनली बताओ। अरे मुझे समझा नहीं कुछ भी। टेटुआ क्या बोल रहे थे क्या पता। सोचे सोचे आप, आपकी बारी है। विदित गुड बॉय, समय के साथ रह रहे के खराब हो रहा है। डिड क्वेश्चन से वेट वेट इट्स सॉरी बिशप 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 समय। अच्छा ठीक है, बिशप टेक्स ऑन c6। डैम, अब क्या करेंगे? अब तो गए भाई। Oh God, B8 करें क्या? क्या करें? क्या करें अब? अब माफी मांग लेते हैं एक बार तो। B8 करें? नहीं नहीं, अपने पास है एक मूव है अपने पास। रुक c8 कैसा लग रहा है? हाँ एक्चुअली कैप्चर कैप्चर कैप्चर, हाँ ठीक है। अगर हम रुक c8 करते हैं वो कर सकते हैं अपने बिशप से वो, एंड देन इफ ही गोस बाय द वे यू हैव गॉट सम सुपर चैट सर। दोस्तों मैं जेन्युइनली ट्राई कर रहा हूं कि सुपर चैट ना आए, क्योंकि सुपर चैट आती है ना तो 30% कर देता है। बट अगर आप लोग अब्रॉड रहते हैं, आप लोग गूगल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेपाल करें। पेपाल क्या करें? पेपाल पे पाल पाल पे पाल करें आप। वही सुन ना, हाँ भाई रुक ये करेगा तो दे विल टेक द बिशप एंड देन यू टेक द क्वीन। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। So he'll have to take with the rook and then we take the rook again. No, so no, we lose the bishop and get a rook. No, it's a bad idea because if we go rook c8, they take the bishop at d6 first. Then we capture with the queen, they capture right. I think, okay, b8 karna hai kya? Queen b8. Queen b8. Aray, phir bhi wo rook to, haan, nahi, theek hai, haan. कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मतलब अभी तक तो एक्चुअली आई फील आई मेड यू लूज। मैं आया और तुम लोगों ने ब्लंडर कर दिया था डी5 पे, उसके पहले अच्छा खेल रहे थे। हां रुक e5 और h5 h4 क्या प्लान था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग तो उसके बाद हुआ भाई, वो एक नाइट मूव के कारण सब भाग दिया अपन भाई। थोड़ा सा इजी जाओ ना भाई हम पे भाई। हाँ यार मतलब व्हाट इज दिस यार, हम लोग छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, वी डोंट मैसेज करते हैं, हम लोग क्या पटक देते हैं उन लोगों को उठा के। नहीं इसीलिए हम लोग बहुत गंदा खेले, पीस देते हैं। यार चांस दे रहे हैं वो लोग, दे आर गिविंग यू चांसेस। हमने लेना चाहिए था यार वो चांस, आप पर फिर भी चांस देते दे रहे हैं वो लोग, दे रहे हैं क्या? अच्छा अभी क्या b8 करना है क्या, क्योंकि और तो कोई मेरे को तरीका दिख नहीं रहा है कि वी कैन क्वीन b8। हाँ ठीक है कर दे, सोचो तो क्या उससे क्या हो रहा है। ओके आई हैव टू लीव इन 5 मिनट्स। हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ तो फिर उसका मूव मत चल। वो घटिया मूव करके चले जाएगा भाई, मैं वो इधर बैठेगा उसका मूव। भाई वो फंसा दिया ना यार बिस्वा आपने h3 का पॉन, नहीं तो बड़ा किल करते थे।
भाई भाई एक एक मूव है, एक बहुत ही कड़क मूव है भाई, बिशप टू ए3, बिशप टू ए, ट्रायंगुलेशन करने दे, ए3 बिशप टू ए3, ओके आप ढूंढ लो पहले भाई ए3, हां अभी जैसे चलेगा बिशप टू ए3 पे वो, ए नहीं बिशप टू ए3 वो पहले रूक से कैप्चर करेगा डी पे चेक के साथ, अपने को कैप्चर करने का क्वीन से कैप्चर करना पड़ेगा, फिर वो बी वाला बिशप कैप्चर करेगा। हां यार तो क्या करे, क्वीन बी8 और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा अभी, कर दो क्वीन बी8 टू एक्सटेंड आवर पेनफुल डेथ वी हैव टू, क्वीन बेला 8, क्वीन बेला 8, किशन यू हैव टू से द पीस, कितने मूव है सागर भैया, 23 अभी और दो मूव है किशन के, आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज़ दर्पण बीच में ना मूव बोल दिया था कैसलिंग इंस्टेड ऑफ किंग, चीटिंग कर लिया था उसने। किशन इज सो क्वाइट, या आई एम कैलकुलेटिंग, किशन किशन वांट्स टू विन एट ऑल कॉस्ट, किशन भाई प्लीज भाई बिशप, यू सेड बिशप या सेम पोजिशन इन देयर माइंड विच इज अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल, स्पेशली अ पोजिशन दैट वी आर क्रिएटिंग विच इज एकदम एब्सर्ड, आई थिंक वी शुड मिरर द बोर्ड नाउ, कैप्चर बी7, वी शुड व्हाट डू वी डू, ले लो b7 और क्या, b7 और क्या करेंगे बस, क्वीन इनटू बेला 7, दोस्तों बेला बेला कौन है भाइयों, बेला चैट वो बी और डी में ना बहुत कंफ्यूजन होता है इसके लिए, बेला व्हाई बेला, इट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, भाइयों क्या आपको दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, हाँ मतलब दिख तो रहा है बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है, why bella you are asking, yeah why like all of all the words why bella is like select, that's what I was wondering, if you want an answer that should be, I mean that should be funny and that should okay match the comedy show, then okay belarus actually belarus mein na matlab girls are beautiful to usse bella rakha hai humne aise b b for bella belarus ka, and chess is also very popular there right, if yes. I'm not mistaken I think balagan victor balagan is from belarus, then it is German actually क्या होता है ना ये A to H confused ना हो तो उसके लिए जहाँ पे FIDE का headquarter है German तो उन्होंने ना ये शुरू से रखा है कि A for Anna, B for Bella, C for Caesar, D for David, Eva, Felix, F for Felix, D for Gustav, H for Hector तो वो standardized है और जो one to two पर impact वो लोग भी ना German में बोलते हैं मतलब जिससे confusion ना, दोस्तों मैं आपको रिमाइंड कर दूं हम दोनों के पास लगभग 5 मिनट है, आपके पास 5.5 मिनट है, हमारे पास 4.5 मिनट है, सो स्पीड अप गाइस, 5.5 मिनट ही है, क्वीन 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 क्वीन, वो आई थिंक गेम खत्म है, इजंट दैट, वेट 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 दर्पण व्हाट्स योर मूव, क्वीन c6, नो नो द साइड, अब एक अच्छा वाला मूव करते हैं, वो जो रिजाइन नाम की चीज है उस पे क्लिक करते हैं, भाई फ्लाइट फ्लाइट कैंसिल आ रहा है, यू शुड चेक फॉर द अपडेट्स, ओ वेट आई जस्ट या आई विल जस्ट फ्लाइट कैंसिल वेब कर दिया जनता, क्या करें, क्वीन टू क्वीन ले ले, रुक 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 स्पैम हो रहा है चैट में, कैसे नहीं जाएंगे हम भी कुछ करके जाएंगे, रुक यार कितना मैंने उनको बातों में लगाया सब किया भाई, अरे यार मैं क्या होपफुल था, उन्होंने जो भी बोला क्वीन वाला जीत गया जीत गया जीत गया, क्वीन टू सी सिक्स, क्या किया आप लोगों ने, क्वीन इनटू सी, नहीं नहीं कुछ नहीं किया अभी, भाई कुछ ऐसा कर दे क्या क्रेजी जो उनको विजुलाइज करने में बहुत मुश्किल हो, ऐसे
क्वीन टेक्स ऑन b3 ऐसा कुछ तो अलग अलग ही कर देते आई थिंक यू वुड हैव टू से समथिंग लाइक क्वीन b10 ऐसा कुछ जो विजुअलाइज ना हो पाए अदरवाइज आई थिंक दे विल सी एवरीथिंग ओ मैन नहीं तो आपकी तरह किंग से चेक दे सकते हैं हम जैसे विदित गुजरात ने दिया ओ शिट नाकामुरा को समय को गुस्सा आ गया ओ मैन क्या करें भाई समय को जब गुस्सा आता है ना ही मेक्स लाइक ऐसा सार्केस्टिक रिमार्क आई नोटिस्ड समय ऐसा सोच के रखता है हाँ विदित का है इल्लीगल मूव हो चुका है हाँ सागर का भी है ठीक है जरा ज्यादा मजाक उड़ा है तो ये पॉइंट पकड़ लिया दोस्तों अगर आपने देखा नहीं है तो विदित गुजराती वर्सेस नाकामुरा देखना जिसमें विदित गुजराती ने अपने किंग से नाकामुरा के किंग को चेक दिया था वैभव चले गए भाई वैभव कैंसिल हो गए समय मुझे पता है लाइक आई विल जस्ट से वन वर्ड एंड देन यू आर नहीं सॉरी सॉरी भाई सॉरी विदित भाई लव यू भाई क्या करें बिस्वा भाई कुछ करने को है नहीं क्या करना है मैं एक तरीका सोच रहा हूं मतलब अभी तो ट्रिकरी करना है और क्या करना है कुछ छपरी गिरी करना है अपने व्हाट इज अ गुड छपरी मूव इन दिस पोजीशन मैं कह रहा हूं पॉइंट टेक्स ऑन b3 हमारे पास 1.5 मिनट है बस दे बहुत है भाई हारने के लिए व्हाट डिड यू प्ले नथिंग नथिंग वी आर थिंकिंग सुनाओ बैक रैंक मेट करते किसी तरह अभी क्वीन को तो कहीं लेना पड़ेगा भाई देखो यार ये काश चेस बोर्ड होती अपने गिरा देते बोर्ड अरे सुन क्वीन को क्वीन टू b4 ले चल भाई क्वीन टू b4 क्यों अच्छा b4 भी ले सकते हैं हाँ चलो क्वीन बेला b4 अभी रोल्स आर रिवर्स्ड दर्पण यू आर द ब्रेन किशन इज द हैंड दोस्तों भूलिए मत ये सबसे जरूरी चीज है हमारी आज की दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस You played Queen b4, yeah? Yeah, Queen Bella 4. Queen b4. कुछ गाना गाते क्या भाई बेसुरा एकदम. Go ahead. चांद छुपा by b7 में c7 d8 d6 3 e4 a1 Bella ciao. कुछ तो करके कंफ्यूज करो भाई रुक अरे रुक जा रे बंदे किशन ही प्लेड अ रुक सो ही सेड रुक सो व्हिच स्क्वायर रुक c4 ओके भाई साहब बैक रैंक में थोड़ा मुश्किल लग रहा है अब क्वीन a3 शायद से क्वीन a3 का कोई फायदा नहीं है क्वीन सैक करेंगे हम ये बिशप अपने को इतना परेशान किया मैं तो बोलता हूँ इसको पहले हटा देते भाई 59 सेकंड्स भी है वी हैव 59 सेकंड्स भाई क्या बोल रहा है विदित I was just asking. Let's give them a bloodbath. Donations coming. Amazing. Like at every minute, there are at least 3 to 4 donations. Thank you so much, dosto. So you can say the stream is on for nearly 1.5 hours. That's close to around 300 to 350 donations. Le lete, bhai. Queen sack kar lete. Kar lo queen sack. Queen takes on c4. Ye sack nahi soch raha tha main. Arey, bhai. Pehle bolte na, bhai. Okay, theek hai. मार दिया हाँ queen into c4 they took queen into c4 okay Kishan which piece oh I should be the okay the brain no who is the brain I think Darpan is sorry Darpan we are definitely not okay Darpan, sorry you are the brain you have to say which piece I have to say the piece yeah pawn अरे भाई pawn into pawn yeah what a weak move भाई इज्जत से रिजाइन करते हैं आप रिजाइन दोस्तों मान ली भाई यार हां मान ली यार ओके एंड आई हैव जस्ट हर्ड दैट माय फ्लाइट इज कैंसिल्ड ओ मैन इनसेन भाई मजा ही आ गया दोस्तों अच्छा मेरे को एक चीज पहले साफ कर लेना है विदित पॉन g3 या पॉन h3 व्हाट इज लेस वर्स मूव नहीं h3 अच्छा था सी गुड
Yes! आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, बस वो D5 पे ब्लंडर हुआ, बाकी H5 पर जो आप लोगों ने सोचा मतलब उसके लिए हमको लिटरली बहुत देर तक मैं खुद कंफ्यूज हो गया, सोचना पड़ा कि अब क्या करें क्या ना करें मतलब. So I think your combined ELO should be around 15, 16, 1600 सबका स्ट्रेंथ ज्यादा है पर साथ में आने का But was you, not so great. Did you have any did you have any stress while playing us in the beginning? No. अच्छा दोस्तों मैं एक बार जनता को बार दिखा दूं, जिन जनता बिकॉज हमारी बहुत जनता है जिसको चेस कुछ नहीं समझ आता, जो लोग बस बार देख के बताती है अच्छा ये जीत रहे वो जीत रहे, वो लोग बस यहाँ आते हैं मजा करने के लिए, जस्ट टू सी अस हैव फन. तो उनके लिए फटाफट विल गो D4 D5, दीज आर बोथ बुक मूव्स. बार देख के इतना रोने वाला ना समय, अभी पूरा टाइम बार देख रहा था. Knight F3 फ्रॉम देम एंड Knight F3 इज अ बुक मूव एंड सो इज E6. C4 is a book move. C5 is a book move. C takes on D5 is a book move. E takes on D5. अभी तक पूरा थियरी चल रहा है दोस्तों. Knight C3 is still a book move. दोस्तों क्या कोई बता सकता है ये कौन सी ओपनिंग है? Taraj defense. This is the Taraj defense. Two knights variation followed by knight to F6. This is one of the good moves. Knight C6 was best, but we played knight F6. And finally, first inaccuracy from Darpan and Kishan, that is D takes on C5. The correct move right there was bishop to g5, but anyway, bishop followed by g3 and pre-end shutting that bishop. Yes, and g3. Then we played b takes on c5, and already you can see black is kind of leading by 0.14. That's not too much, but it's okay. And that's where the game ended. Then black is leading. Knight to d4. That's also a good move. e3 was best, but knight to d4 by them. Knight c6 was the best move we played. Knight takes on c6. Another inaccuracy by Darpan and Kishan. So two inaccuracies in the beginning from Darpan and Kishan. And the best move was simply e3. But then we captured on b takes on c6. And we are having a 1.43 advantage in this position, dosto. e3 was played by Darpan and Kishan. And we castled the best move. Bishop to e2. And this was also best move from them. Rook to e8 is a good move that we played. Castling is the best move from them. Bishop to d6 is a good move. Queen e7 was best. But after that came bishop f3, the best move. Queen to c7, an excellent move it says. And then g3. Now finally our first inaccuracy is rook to e5. This is the first inaccuracy in the game, making the game equal. And it's a drawn position until now. And b3 was played, planning to fianchetto. So, rook e5 ke jagah kya khelna chahiye tha black? Rook e5 ki jagah khelna chahiye tha bishop to h3. हाँ ये मूव एक्चुअली वैभव ने आई थिंक सजेस्ट किया था बिशप h3 बोल रहा हूँ. हाँ पर मेरी गलती हो गई वहाँ पे और फिर b3 बाय देम एंड राइट नाउ वी आर स्टिल काइंड ऑफ ओके एंड वी वेंट फॉर एन अटैक h5 इट्स द बेस्ट मूव एंड देन बिशप टू b2 फियांचेटो इन द बिशप इट्स आल्सो अ बेस्ट मूव एंड देन वी पुश्ड h4 व्हिच इट सेज इज एन इनएक्यूरेसी because it is met with I think knight to maine jab yahan par bola tha I was thinking of knight e2 kyunki wo side pe bahut attack aa raha hai to I thought ki knight e2 pe aake shayad thoda guard kar le. I don't know what the accurate move is where on when after h4 after h4 rook c1 is best actually. Acha aapne jo khela wo sahi khela aapne. Okay rook c1 is best and then we played A6, which is an inaccuracy, and that is a very big inaccuracy because it gave a lot of advantage to white after that. Because I think we are playing from the two sides of the board. Why is this an inaccuracy, Sagarsha? Can you tell us? Vidit, it's too slow. I mean, you could have played bishop to A6, and you could have developed, or you could have
played rook to b8 ya aisa kuch I mean a6 was very slow okay thoda develop kar sakte the same knight b5 threat tha white ka samajh gaya but you could have stopped that with a more active move like bishop a6 like the machine is saying rook to b8 was the best move over there yeah which you actually, stop it yeah that's the same thing prevents knight to b5 but with tempo yeah with rook gets activated rook gets activated my bad and then after that they played knight takes on d5 which is a mistake the first mistake in the game giving us a lot of advantage but of course we blundered knight takes on d5 is a blunder guys yahan pe we should have taken with the rook yeah we should have taken with the rook and we were winning this game if we take with the rook he takes with the bishop matlab we were not winning we were in a winning position Yeah, you had a second position, like very comfortable position, and we had to struggle a lot then. I mean, yeah, but we took from knight, and it's a blunder, and they have an advantage of 4.52, and I don't think they gave up after this because they played bishop takes on e5, the perfect move over there. We played bishop on e takes on e5, the best move. Bishop takes on d5, again the best move. Bishop to b7, we thought a lot, and we played the best move. Bishop to f3 is an excellent move. Queen to h5 is an alternative. But they played bishop to f3. We played rook to d8 because rooks belong on open files, and this is again the best move. Thank you, Sagar Shah, for helping us out with this because you have taught us that rook belongs on open file. Queen c2 preventing rook captures with queen and also planning to develop the other rook, and this is the best move. Then we played Biswa said h3. The machine is saying h3 is good, but h takes on g3 was best. So that's but it's still good. If you want to. So Biswa is very upset with us, I am sure. Then came rook to rook f to d1 by Darpan and Kishan, and this is the best move. And bishop to d6, we played an excellent move. Bishop takes on d, c6 is the perfect move, but we played queen to b8, which is not the best move. It's an inaccuracy because we should have played bishop to c8. Why is this so? Can you tell us? Can anyone tell us? We did. कौन सा पोजीशन में 23rd मूव पे कैन यू कम वी प्लेड क्वीन टू बी8 वेल एक्चुअली आई मीन नाउ वी आर ऑलरेडी मटेरियली सो मच डाउन राइट इट बिकम्स वेरी टफ टू आई मीन द पोजीशन इज ऑलरेडी लॉस्ट बिकॉज़ दे हैव टू मच मटेरियल सो इट डजंट रियली मैटर क्वीन बी8 वाज ओके यू आर ट्राइंग फॉर दिस मेट इन वन ट्रिक या बिशप सी8 आल्सो इज लाइक स्टिल द इवैल्यूएशन विल बी प्लस 4 प्लस 5 जो भी है So it doesn't really matter now. Like the main mistake was rook d5. Rook gap. Yeah, yeah. But after that, you couldn't do much. So we played queen to b8, and then bishop captures on b7, the best move. We took queen takes on b7, the best move. And here we thought we will talk to them and we'll make them blunder. And they did not. They're too smart for us. They played queen to c6, and hum log ka hope sara chala gaya tha. And we just started making some last minute desperate moves. Queen to b4. Rook to c4, mistake, but not a mistake big enough to do anything. Queen takes on c4, an absolute blunder, and showing that we have lost our strength and we have lost our hope. And bishop, b takes on c4, and this position they have an advantage of 16.6. Basically, they can defeat us 8 times with this advantage, and we lost and we resigned the game. And the game, if you see the accuracy, if I tell you they played with an accuracy of 97.5, that is insane. And we played with an accuracy of 63.8, dosto. They had 16 best moves. We had 9. They had 1 excellent. We had 2. But that does nothing. Thank you so much, man, for playing this amazing game with us. Maza hi aa gaya, bhai. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you for giving us the opportunity. Thank you. Not necessary. You guys are the real heroes. I am just a medium. मेरे को बस एक software चलाना आता है. असली काम तो आप लोग करते हो हमारे stream पे आके. और मजा आ जाता है यार आप लोग आते हो. तो please guys donate here. This is the last time I'm asking you. And if guys you're watching this, you're not watching this live. If you're watching this later, maybe if you're abroad, the time zone is there. It's different. You can still donate on the same UPI ID and on the same PayPal link. And we will transfer all the funds to Chessbase India. Thank you so much, guys. Darpan ji और Kishan ji, बताएं कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत बढ़िया. सच बताएं.
हम क्या 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 हम दोस्त बन गए अब? किशन डोंट बी शाय किशन जी, क्या और हम आप दोनों को फिर से कभी देख पाएंगे अपनी स्ट्रीम पे? आई एम यू नो इफ यू डू स्ट्रीमिंग अगेन आई विल बी वेरी हैप्पी. So what you are doing is a great job. I mean, अरे भाई 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 अरे thank you know, भाई please I get very awkward when ऐसे thank you big love big love thank you guys. तो मैं सुबह सुबह उठ के रियाज करता हूँ big love. Yeah. Keep doing this. कि आप ये जो कर रहे हैं ना, मतलब वरना क्या होता है इतना चेस जो एक डेढ़ घंटा चलता है ना तो लोग शायद बोर हो जाए, बहुत मोनोटोनस लगता है जिसको शायद समझ नहीं आता. बट आप लेमैन को जितना अच्छी तरह से समझाते हैं ना, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है चेस की. इसको मतलब लॉकडाउन में जो बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम का यूटिलाइजेशन हो सकता है ना, वो आप कर रहे हैं. अरे थैंक यू सो मच भाई. अरे आई लव यू ऑल यार. ठीक है यार, आई लव यू ऑल यार. समय रो दूंगा यार, मत करो यार. ऐसे मत करो, बेइज्जती कर दो. बेइज्जती वाला जब आप कर रहे थे दर्पण भाई, बेइज्जती हो आप, बेइज्जती करो मेरी. नहीं नहीं, बेइज्जती जब करनी थी तब की, बट अभी की अभी कैसा. बेइज्जती ऑन बोर्ड, बेइज्जती ऑन बोर्ड. और कितनी कर सकते. ओ विदित भाई आप रुकिए, आपको हम अलग से ढूंढेंगे. Playing with Darpan and people like Vidit Darpan, it's like BYOB, bring your own bezatti. बस बता दे रहे हैं कि हमने विदित को चेकमेट किया हुआ है, ठीक है? हाँ. मैं कल दोस्तों मैं कल वीडियो डाल रहा हूँ. How I defeated Vidit Gujarati and Sagar Shah tomorrow on my stream. ये जो वीडियो आने वाला है. You know what? I'm going to put it right after the stream. Right after the stream, I'm going to upload a video. How I defeated Vidit Gujarati and Sagar Shah. और बताओ भाई. Thank you so much, Darpan and Kishan ji. You are so lovely people. You inspire us. आपकी जो story है, हम लोग मतलब देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. And I am very very happy, very very honored that you came to our stream and you made it. मतलब मजा आ गया. आप लोग आ गए ना, बहुत खुशी हुई. बिस्वा भाई, thank you so much for coming. वैभव भाई, आपकी flight cancel हो गई. आप तो आप यहीं पे आप तो यहीं हैं हमारे साथ अभी. Thank you so much भाइयों. Thank you Sagar Shah. Sagar Shah open in the chat. Sagar Shah such a lovely person. उन वो कितना कुछ करते हैं पीठ पीछे, हमें आज आज मालूम चलता है और कल और मालूम चलेगा. आप तो legend हो भाई. Sagar Shah भाई, the way you phrased it कि सागर पीठ पीछे इतना कुछ करता है, इन अ गुड वे. विदित गुजराती का दिमाग ही करप्ट हो गया भाई, सब गंदी चीजें सोच रहा है विदित गुजराती. He involves in all the social activities and he's so humble and you know down to earth. I'm really thankful to him. And also Sagar, from you know many years he's supporting blind chess. You know he started you know coaching us, and also is more than a you know you can say him as a mentor. So you know, in every part of your life, like he gives you a suggestion. I'm really thankful to Sagar also. Aray, Sagar, thank you, thank you, Sagar OP, Darpan OP, Kishan OP. So sweet of you guys, man. Thank you so much, guys. It was pleasure talking to you all. Please watch those videos that I've tagged. I have put in the description and write good things about everyone. Vidit Gujarati, वो तो आपने सही कहा दोस्तों. Vidit Gujarati और मेरे कितने भी लड़ाई हो, विदित गुजराती को मैं कितनी बार भी चेकमेट कर दूं, पर वो रिस्पेक्ट जो है मेरे दिल में विदित गुजराती के लिए, वो तो है भाई. दर्पण भाई, किशन भाई, कम बैक वंस फॉर फोर प्लेयर चेस विद अस. ओह, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फोर प्लेयर चेस. नो, बट देयर विल बी नो नोटेशंस, राइट? सो देयर आर, बट लाइक वेरी कंफ्यूजिंग वंस, लाइक देयर विल एक्स एक्स 2 बिशप वाई 3. But basic purpose of four player chess is to checkmate with it, so you'll have fun. Yeah, yeah. Oh man! Thank you guys. Thank you, chat. I'm really sorry. हाँ, आप बताएँ. One point is that you know I started to calculate while you were analyzing the game. I started calculating कि कितना पैसा, how much is the donation that has come. But then I gave it up because there was so many contributions coming. So I said ये stream हो जाएगा. Then I will calculate. So I a big thanks to everyone who has contributed. All the money that you have donated
will be properly accounted for and will be used for the upliftment of blind chess for young talents, and they will be supported in different ways through for their tournaments, for their softwares, technology, teaching, training, and everything. So thank you so much for that. थैंक यू गाइस. और किसी को कुछ बोलना हो आप बता दें, मतलब नहीं तो मेरे समय इज अ रेस्पेक्टेबल एनिमल. आई थिंक दैट्स अ नाइस एंड. दैट्स अ नाइस एंड. सो दैट्स अ नाइस एंड फॉर चैट. हम लोग तो अभी थोड़ी और बातें करेंगे इनके साथ, थोड़ी यू नो बिहाइंड द सीन्स बातें होंगी, जिसमें विदित गुजराती को कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. डबल मीनिंग, सीधे डायरेक्ट. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. कीप डोनेटिंग दोस्तों. इवन इफ यू वॉचिंग दिस टुमारो, यू कैन स्टिल डोनेट इट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. दिस लिंक इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस टू डोनेट. एंड इफ यू कैन डोनेट ऑन पेपैल, पेपाल, पेपड़ू, दैट वुड बी ग्रेट. थैंक यू. बाय बाय. लव यू ऑल.